So here we go. Welcome everyone. This is Bhupendra Pradhan here at An Academy. Our aaje amara session continue rakhiba ame 8 am session taku. Okay. To amara dinaku dita session hochi jo pila mane jani nahanti je gote session hochi amara sokala 8 tare science session ebe chalichi kali soye kali question discuss heithila aaji bi question discuss heithila. Thik achi. आउ इवनिंग रे ज्योग्राफी चली ज्योग्राफी लास्ट पार्ट टा आज अच्छी ऑलरेडी तीन टा सेशन एमसीक्यूस रो सरी जाइछि एसओ पई आज आउ गोटे लास्ट पार्ट अच्छी चारटा पार्ट करथिले ज्योग्राफी रो जोटा कि 7 पीएम रे होबो 10 एएम रो शिफ्ट करा जाउछि ताको 7 पीएम कु सब दिन 7 पीएम रे ही होउछि आज भी 7 पीएम रे ही होबो ज्योग्राफी एमसीक्यूस लास्ट पार्ट टा आउ गोटे पार्ट जोटा करिबा आमे 75 टू 100 क्वेश्चंस करूछु पर क्लास आमे ठीक अछि तो आज हमरा होउछि टॉप 100 एमसीक्यूस पार्ट 2 टा जनरल साइंस उपरे बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट्स हमें नहीं कि आसुचु अल्टीमेट रिविजन चली एएसओ पई विभिन्न प्रकार एग्जाम्स पई आगो को एएसओ एग्जाम घुंची जाइछि ओमास एग्जाम अछि सीजीएलई अछि हला ओपीएससी प्रीलिम्स आसुचि सब पई हेल्पफुल हेबो ए जो ज्योग्राफी गुडा को ओके देन जस्ट अ मिनट ओके देन सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर करिवार कमी आसुचि टिके हला समस्ते लाइक करिवे शेयर करिवे वीडियोस गुडा को शेयर करंतु मैक्सिमम रो मैक्सिमम मैक्सिमम पिलावन को पाको पहुंची परिवो पीडीएफ्स पई कोन करिवार छ मु बारंबार कहउ छी जे अनअकैडमी एप डाउनलोड करि पकंतु अनअकैडमी लर्नर एप प्ले स्टोर को जाई कि फ्री ऑफ कॉस्ट ला सेठु हमें जाई कि ओपीएससी सिलेक्ट करि परिवा ओपीएससी सिलेक्ट करके भूपेन्द्र प्रधान सर्च करपरिया कि डिस्क्रिप्शन रे भी वीडियो दिखाई मोर फॉलो लिंकटा फॉलो करेंगे सेठी कम्युनिटी बोली गोटे जिनस अच्छी जस्ट लाइक टेलीग्राम है अनअकैडमी एप ओपीएससी एप तो सेठी आम इजिली पाइपर का सन्ध्या बेले चार्टा पीडीएफ्स मुझे सेयर कर लास्ट दुई दिन है नी है ड्यू टू हैवी वर्कलोड पर तो कल सब दिखाई काली इवनिंग रे टेलीग्राम्स रे कम्युनिटी रे अनअकैडमी रो ग्रुप्स मानक एव्रीवेयर सब चार चार्टा जी बाकी सब दिखाई चार्टार ओके डोंट वरी गोरेख सॉरी गोलेकंद्र जो मैंने भिडियोस गुड़ाक पाइपार नहांती डोंट वरी आज कल भितर पाई मुझे गोटे नुआ प्लेलिस्ट बनाऊँ पूरा एक तारीख रू आज जाए जी भिड हो एसओर से कम्प्लीट भिड डोंट वरी समस्त को मिल जाव तारी ऊपर गोटे भिड भी बनई कि छाड़बी है यूट्यूब स्टेटस रे स्टोरीज रे तो सेटा सेठु भी लिंक पाइबे ठीक अच्छे आई एम प्रिपेयरिंग दैट डोंट वरी तो सब्सक्राइब करूँ ओपीएससी अनअकैडमी चैनल को बेल आइकन प्रेस करूँ बेल आइकन प्रेस करवा भूलिबे ना कहीं नोटिफिकेशन पाइबे ठीक क्लास स्टार्ट है मैंने नोटिफिकेशन आसीज ओके जो सचित पाने सका उठिक ढोल ना तो है आज सब मिल जाव प्लेलीस्ट फ्लेलीस्ट सब मिल जाव डोंट वरी मुझे भिडियो गोटे भिडियो करके छाड़ी गोटे मिनटिया देढ़ मिनटिया गोटे भिडियो करके लिंक सहित छाड़ी अपडेट रुहतु अनअकैडमी भूपेन्द्र प्रधान सहित ओके जीवा क्वेश्चन स्टार्ट करवा क्विक चलो क्वेश्चन नंबर वन को पलै आसवा व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय एलर्जी एलर्जी द्वारा कौ डिज हो कुआ कुआ शीघ्र कह डायबिटीज हो कि एलर्जी द्वारा तुमको कहल एलर्जी द्वारा डायबिटीज हो डस्ट हो गले तुमको डायबिटीज हो जाऊँच कि कोलेरा होची कोलेरा कोलेराटा बैक्टेरियल डिजीजटा बैक्टेरिया जो हुए कोलेरा है रिंग वर्म टा हूँ कौन फंगाल डिजीजटा फंगाल फंगाल है इट इज ए फंगाल डिजीज है यहाँ हूँ फंगाल डिजीजटा क्लोरेला कोलेराटा हूँ बैक्टेरियल डिजीजटा है डायबिटीज है डायबिटीजटा कौन पर हुए डायबिटीजटा हार्मोनल इश्यू जो हुए हार्मोनल प्रॉब्लम जो हुए इंसुलिन ओब्वियसली आंसर कौन हम आस्थमा हम आस्थमाटा कौन पर हुए आस्थमाटा विभिन्न प्रकार एलर्जिक कंडीशन जो हुए एवं किसी जन को डस्ट रु एलर्जी थाए कि जन को है धूआर एलर्जी थाए कि जन को साउंड रु एलर्जी थाए है सो मेनी कज हो पाए आस्थमार आस्थमा इज कौन रेस्पिरेटरी डिजीज नेक्स्ट व्हाई ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल इन नेचर और इन स्फेरिकल शेप कौटा हे गोटे लिक्विड ड्रॉपटा कहीं स्फेरिकल शेप था गोटे लिक्विड ड्रॉप है गोटे वाटर ड्रॉप एमती शेप रहीबार कारण कौन व्हाई इट इज लाइक दिस से बंका टंका कहीं रोना चारिकोणिया कहीं रोना ओके कौन पर बिकज अफ द सरफेस टेंशन कौन जे पानी मॉलिक्यूल्स गुड़ाक पानीटा बहुत गुड़ाए मॉलिक्यूल रे तैयारी वाटर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल माने हला अणु बहुत गुड़ाए अणु रे तैयारी से ही अणु गुड़ाक परस्पर को टाणुचंती जो माने भितर अछंती समस्ते समस्त को टाणुचंती किंतु जो माने बाहर अछंती बाहर थिबा अणु माने कौन केवल भितर ही अट्रैक्शन फोर्स पाउछंती बाहर काहे कि पानी आउ नाही
ହେଲା। ତ ଅଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ସବୁ ପାଣି ଟାଣି ହେଇଯାଉଛି ଭିତରକୁ, ଭିତରକୁ ଟାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ଫେରିକାଲ ଲାଇକ୍ ସେପ୍ ଆସୁଛି ଜଳବିନ୍ଦୁର, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏମିତି ଟାଣି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱାଟରର ଉପର ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ରହେ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବାଏ ଦ ୱାଟର ମଲିକ୍ୟୁଲ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ପାଣିର ମଲିକ୍ୟୁଲ ମାନେ ହିଁ। ଓକେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁନି, ଫଟାଫଟ ଚାଲୁ ହେଲା, ଆନ୍ସର୍ ଆସୁ ଧୁମାଧୁମ। ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଗକୁ ଚାଲ, ଆଗକୁ ଚାଲ। ୱେନ୍ ୱାଟର ଇଜ୍ କୁଲ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍, 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ 0 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା, 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଆଣିବା ତାଠୁ ବି କମ୍ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ରୁ ପାଣିକୁ କମ୍ କରି ଚାଲିବା, କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ଯେତେ ଯେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମି କମି ଚାଲିବ, ଟେମ୍ପରେଚର୍ କମିଲେ କ'ଣ ହେବ ହେଲା, ୱାଟର୍ଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ଯେକୌଣସି ସବଷ୍ଟେନ୍ସର ତାପମାତ୍ରା କମିଦେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ୱାଟର୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଛି ୱାଟର୍ର, କ'ଣ ଯେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ଯାଏ ମାତ୍ର ସେ କ'ଣ ହୁଏ, କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୁଏ। ତାପରେ ପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ, ତାପରେ ସେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବ। ୟାକୁ ଏନୋମେଲସ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ହେଲା, ଏନୋମେଲସ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପାଣିଟା ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖାଏ, 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ସେଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ଟା ଯାହାର ଉପରକୁ ସେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି, ତଳକୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓଲଟା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଆମେ 0ରୁ 4 ଯାଏ ଯିବା, 0ରୁ 4 ଯାଏ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବ, ପାଣିଟା କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେବ। 4ରୁ 10 ଆଡ଼କୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ, ଓଲଟା ହେଇଯିବ, ରିଭର୍ସ। ଓକେ, ରିଭର୍ସ ହେଇଯିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା, 10ରୁ ଯଦି 0କୁ ଆଣିବା ଆମେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ କହିଛି, ମାର୍କ କର ପିଲା, ଭଲ୍ୟୁମ୍। ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କଲେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, କମ୍ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଠିକ୍ ହେଲା। ତ 10ରୁ ଯଦି ଆମେ 0କୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଥମେ ୱାଟର୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ତାପରେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା, ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ତାପରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ୟେସ୍ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଡିକ୍ରିଜ୍ କରିବ, ତାପରେ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଯଦି 0ରୁ 10 ଆଡ଼କୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଓଲଟାଟା ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଙ୍ଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେଜର୍ ଦ ରିଲେଟିଭ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍। ରିଲେଟିଭ୍ ଡେନ୍ସିଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଇଯାଏ, ରିଲେଟିଭ୍ ଡେନ୍ସିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଡେନ୍ସିଟିକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା, କାହାର ଡେନ୍ସିଟି ସହିତ କମ୍ପେୟାର୍ କରାଯାଏ, ଡେନ୍ସିଟି ସହିତ କମ୍ପେୟାର୍ କରାଯାଏ କାହାର, ୱାଟର୍ର, ୱାଟର୍ର ଡେନ୍ସିଟି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଡେନ୍ସିଟିକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ହେଲା, ମାନେ ରେସିଓଟା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ରେସିଓ ହେଲା। ୟାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରେଭିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରେଭିଟି। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରେଭିଟି ଅଫ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଦ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱାଟର୍। ୱାଟର୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ୍ର ଡେନ୍ସିଟିକୁ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବାକୁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗ୍ରେଭିଟି ବା ରିଲେଟିଭ୍ ଡେନ୍ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ହାଇଡ୍ରୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ, ହାଇଡ୍ରୋ ହାଇଡ୍ରୋ ହେଲା। ହାଇଗ୍ରୋଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି, ହାଇଗ୍ରୋଟା ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟିଟା ହେଲା। ଲାକ୍ଟୋମିଟରଟା ମିଲ୍କ ପାଇଁ, ଗ୍ରାଭିଟୋମିଟର ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଗକୁ ଚାଲ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନେକ୍ସଟ, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ, ଫଲୋଇଙ୍ଗକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା। ଆର୍ବିସି, ଆର୍ବିସିର କାମ କ'ଣ ହେବ, ଆର୍ବିସିର କାମ ହେଉଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରି କରେ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ୍ୟାରି କରେ, ଅକ୍ସିଜେନେସନ୍ ହେଲା। ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ, ଆସିନୋଫିଲ୍ସ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ବା ଯାହାକୁ ଥ୍ରମ୍ବୋସାଇଟ୍ସ କୁହାଯାଏ, ଆର୍ବିସି, ଡବ୍ଲୁବିସି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ଥାଆନ୍ତି। ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ର କାମ ହେଉଛି କ୍ଲଟିଂ କରିବା, କ୍ଲଟିଂ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ। ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ ହେଉଛି 3 ନମ୍ବର ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, କ୍ଲଟିଂରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାରେ ହେଲ୍ପ କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସିନୋଫିଲ୍ସ, ଇସିନୋଫିଲିଆ ବଢ଼ିଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ପାଣି ଫାଣି ଗାଧେଇଲେ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ଇସିନୋଫିଲ୍ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମେକାନିଜିମ୍ ଅଫ୍ ଏଲର୍ଜି, ଆମ ବଡିରେ ଏଲର୍ଜି ଆସିଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଏଲର୍ଜି ଆମ ବଡିକୁ ଆସୁଛି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ। ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡବ୍ଲୁବିସି, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖ, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ, ଆସିନୋଫିଲ୍ସ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଡବ୍ଲୁବିସି ଗୁଡ଼ାକ, ଡବ୍ଲୁବିସି। ଡବ୍ଲୁବିସିର କାମ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆମ ବଡିକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରିବ, ବଡିକୁ ଆସିବ, ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରେ। ଯେମିତି ଇସିନୋଫିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଲର୍ଜି କିଛି ହେଲେ ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦିଏ, ଇମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ କ'ଣ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହେଲା ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍ସ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ, ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି 2 1 3 4 2 1 3 4 ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ତ, 2 1 3 4 ହେଲା ନା କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିଲ, 2 1 ଠିକ୍ ଅଛି, 4 3 ହେଲା ନା, ହଁ 4 3 ହେଲା। ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି, ସରି ସି, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି। ଓକେ, ଆଗକୁ ଚାଲ।
स्लीपिंग सिकनेस हैपेंस ड्यू टू स्लीपिंग सिकनेस कौन पे हुए डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए विटामिन ए तुमको अभाव तुम्हें स्लीपिंग सिकनेस हुए कैल्शियम है इन द बॉडी अभाव हुए ब्लड प्रेशर राइज कले हुए है यूनिसेलुलर एनिमल नेम ट्रिपैनोसोमा का द्वारा हुए स्लीपिंग सिकनेस आउटे ना कौन कहल है वेस्टर्न आफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस बोली या कह जाए वेस्ट आफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस बोली या कह जाए किंबा गैम्बियन फीवर कहुए सबुर अर्थ हो गोटे डीज है गैम्बियन फीवर वेस्ट आफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस कहीं गैम्बिया गोटे कंट्री अच्छी वेस्टर्न आफ्रिकार जो ये डीजा प्रथम देखा जाता से नाटा वेस्ट आफ्रिकन स्लीपिंग सिकनेस गैम्बियन फीवर है यहाँ नर्माली कौन ये गोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म था यूनिसेलुलर एककोशी जीव जहाँ को ट्रिपैनोसोमा कहा जाए जोटा गोटे कौन गोटे प्रोटोजोआ आदि जीवक ये जदि आम बॉडी को इफेक्ट कैसे ब्रेन को आमर इफेक्ट कर निद हुए सब बेले है ये क्रोनिक डीज थे मैंने लगि रार कौन ट्रिटमेंट भल ना है डेथ जाए रहा इट विल लीड टू डेथ फाटाल डिजिजटा ओके नेक्स्ट व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम जितेबाला गोटे कांस्टेंट वॉल्यूम रे कौन सी प्रोसेस चली माने गोटे प्रोसेस होउछि फिजिकल प्रोसेस जो थे कौन वॉल्यूमटा सेम अच्छी वॉल्यूम माने आयतन टा बढ़ू ना कमू ना सेम रोचे वॉल्यूम जदि सेम रहा कौन बोली कह मन रखा सब लिखाई या मैंने घोषार दरकार नहीं दुई थर जब देखीदे मन रही आइसोकोरिक प्रोसेस माने जेकोसी प्रोसेस जोटा कन्स्टांट वॉल्यूम रोचे वॉल्यूम चेंज होना तापरे आइसोबेरिक प्रोसेस टा होची प्रेशर रिमेन कांस्टेंट आइसोबेरिक माने प्रेशर जोटी कांस्टेंट रहुची ठीक अच्छे आइसोथर्मल माने होची कोन टेम्परेचर कांस्टेंट रहिबो एडियाबेटिक माने नो चेंज ऑफ हीट हीट कांस्टेंट रहिबो सिस्टम भितर हीट टा कांस्टेंट रहिबो हीट आसु नाही किंबा जाउ नाही एक्सचेंज हो नाही आउटर एटमॉस्फेयर आउटर सिस्टम सहित ठीक अच्छे कौन हम आइसोकोरिक प्रोसेस आंसर हम सी वॉल्यूम कथा कही आइसोकोरिक मन रखिद या निदरे आखि को देखा जाऊनि पानी मार ना कूह को डेकि थे ऊपर को उठी आस निद छाड़ी ह्विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड निकेल रोडियम प्लाटिनम पैलेडियम कौटा हे व्हाइट गोल्ड क्या कहा जाए व्हाट डू मीन बाय व्हाइट गोल्ड अर्थ हूँ कौन व्हाइट गोल्ड अर्थ हूँ प्लाटिनम 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 है आम क्लास कौन अलस्वामी कौन सी जगह नहीं एनर्जेटिक टीचर को एनर्जेटिक स्टूडेंट घंटे 15 मिनट क्लास डिस्कसन हम पूरा है दुमादुम डिस्कसन हम कि मानने लेथार्जी काम नहीं व्हाइट गोल्ड क्या कह जाए प्लाटिनम को कह जाए प्लाटिनम गोटे नोबल मेटालटा प्लाटिनमटा है बहुत रेट लाइक सुनाटा सुना प्लाटिनम मैंने सब गरम जहाँ को कह जाए गोल्ड है प्लाटिनम सब व्हाइट गोल्ड गुड़ाक सरी आम प्लाटिनमटा हूँ व्हाइट गोल्ड गुड़ाक कहीं शाइनी मेटेरियालटा व्हाइट गोल्ड बोली कह जाए ओके इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हिमोग्लोबिन इज डिजॉल्वड इन प्रोटोप्लाज्म मैंने क्वेश्चन अर्थटा बुझाक चेषा कर जे प्रोटोप्लाज्म सेल मानकर जो आम प्रोटोप्लाज्म था आम सेल भितर प्रोटोप्लाज्म था साइटोप्लाज्म जहाँ कहूँ प्रोटोप्लाज्म हिमोग्लोबिन टा मिसिकी थाए मैंने या क्यारी करने आरबीसी न था ठीक ना नहीं आरबीसी ना बोली सिंपल जिनस माने ये चार्टा ऑप्शन भितर कह रेड ब्लड सेल्स न थाए आरबीसी लोहित रक्त कणिका कह रहा सरी आम अर्थवाम मानकर न थाए बायोलॉजी हेले अर्थवर्म हो जाए ज्योग्राफी पड़े अर्थक्वेक हो जाए बेले बेले अर्थक्वेक भी कही दूसरी है अर्थवर्म गुड़ाक कौन आरबीसी 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 ना एमंर बॉडी फ्लूइड रे ही सब हिमोग्लोबिन थाए जोटा कि कौन ऑक्सीजन कैरी करे आंसर डी हे नेक्स्ट कहीं अर्थवर्म ने अन्न मान को कहीं ने कहीं होती मोर डेवलप्ड अर्थवर्मटा हूँ कौ टाइप अमेरुदंडी प्राणी इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेटा एटा से ये हूँ सब लेस डेवलप्ड मैंने वर्टिब्रेट हाड़ था मानकर मोर डेवलप्ड क्लीयर लीच अर्थवर्म नेक्स्ट कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग एफेक्ट्स मेनली व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी लिवर फंक्शनिंग किडनी फंक्शनिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड एवं बहुत थर एटा तीन चार थर डिस्कस है बोध भिन्न भिन्न प्रकार है बहुत प्रकार डिस्कस है यहाँ कार्बन मोनोक्साइड जदि आम बॉडी को अत्यधिक एंटर कला तो कौन हिमोग्लोबिन सहित रिएक्शन कर जाए जहाँ फल कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन तैयारी हुए कार्बोक्सी हिमोग्लोबिनटा ऑक्सीजन कैरिंग ऑक्सीजन कैरी करना कहीं से फिलअप होगा है उसकी शादी हो गई अब उसको और कुछ नहीं कर सकता ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन आउ कैरी करी परिबो नाही से जो पार्क जाऊला बुलूला से सब गला बंद आगु चल फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट दे हैव आयरन दे प्रोवाइड रेड कलर टू द ब्लड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट द सर्टेन डिजीजेस दे आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड करेक्ट स्टेटमेंट बाछबार अच्छे है ये आरबीसी विषय कही
आरबीसी आरबीसी विषय में चारटा स्टेटमेंट देला आरबीसी विषय में चारटा स्टेटमेंट दे रेड ब्लड सेल्स विषय है दे हैव आयरन आयरन थाए हिमोग्लोबिन करेक्ट रेड कलर थाए से आयरन थीबा जोगु इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस हबो कि कहल इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीजेस डिजीज अगेंस्ट रे लड़े किए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स मान कम रेड ब्लड सेल्स राम नुह दे आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड कौन हम वन टू फोर एत बड़ देखा जा किसी ना क्वेश्चन सहज क्वेश्चन आरबीसी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन पचारिचा लाइक सेयर चलू सेयर कर सेयर कर जेरेन्टोलोजी इज द साइंस डीलिंग विद द प्रोब्लेम अफ ला जेरेन्टोलोजी आम बायोलोजी जब पढ़ु जेरेन्टोलोजीटा कौन जेरेन्टोलोजी जेरेन्टोलोजी कौटू आसी कह जेरेन्टोप्लास्ट रू आसी जेरेन्टोप्लास्ट जेरेन्टोप्लास्ट कौन कह जेरेन्टोप्लास्ट हूँ गोटे टाइप पिगमेंट जमी आम क्लोरोप्लास्ट थाए सेल मानक प्लांट सेल मानक जमी क्लोरोप्लास्ट थाए ठीक से भाया कौन था पिगमेंट गुड़ा था जेरेन्टोप्लास्ट गुड़ा एम मानकर काम होते जितेबाला क्लोरोप्लास्ट गुड़ाक डेस्ट्रो होगा आरंभ हो जाती केतबाला डेस्ट्रो हो गछटा बुढ़ा हो गले पत्र गुड़ाक झड़ा आरंभ कले क्लोरोप्लास्ट डेस्ट्रो हो समय क्लोरोप्लास्ट मानक एक्ट रखे कम करे किए जेरेन्टोप्लास्ट गुड़ाक है एजिंग सहित रिलेटेड एजिंग सहित एजिंग एजिंग सहित बायोलोजिकाल एजिंग बायोलोजिकाल एजिंग आउ गोटे ना कौन सेनेसेंस ला सेनेसेंस कहुए सेनेसेंस कहवा जहाँ बायोलोजिकल एजिंग कहवा ताला एजिंग प्रोसेस इज कॉल्ड जेरेन्टोलोजी स्टडी करवा नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ वाशिंग सोडा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट ऑल ऑफ द अबव हला एबे देखो कालीर कथा नै जा पिला को माने माने मेंटालिटी बुझो जे काली एही समय रे पिला केते हला अराउंड 300 लाइफ थिले आज 200 माने बुझी पार ना समझ रहे हो ना आप समझ रहे हो ना हला एग्जाम दु दिन अच्छी तो दु दिन टे पढ़ीदे आओ बाहर बेल बाहर रोईदे भल बाहर भोजीटा हो ठीक बाकी समय सही थोड़ा वर्ष सारा एग्जाम दु दिन पूर्व पढ़ा है वाशिंग सोडा वाशिंग सोडा सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स वाशिंग सोडा क्या कहा जाए सोडियम कार्बोनेट इज अदरवाइज कॉल्ड द वाशिंग सोडा जोटा कि कौन ये सब प्रकार जिनस यूज हुए सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर वाटर सॉफ्ट आम सोडा कहीं यूज करूँ वाटर सॉफ्ट हो जाए है साबुन में भी सोडा थाए लुगाधुआ साबुन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास ग्लास मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सब प्रकार जिनस यूज हुए केमिस्ट्री तुम क्वेश्चन आसव डे टू डे लाइफ एक्टिविटी यूज उपर मन रखिबो ओके व्हिच ऑफ दिस इज नॉट ए एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म बा जहाँ को प्योर फॉर्म बोली हमें कही परिवा ला प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कोटा नुआ एलोट्रॉपिक फॉर्म अदर फिजिकल फॉर्म रे कोटा नुआ एटा काली भी गुटे टाइप रो क्वेश्चन करा हितला डायमंड ग्राफाइट फुलरिन सब होची किंतु नन ऑफ द एबो काई कहलो ए तीनटा जण ही अछंती जो माने एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन आमे तीन प्रकार पाई परिवा डायमंड ग्राफाइट फुलरिन भाबरे नन ऑफ दिस आंसर हो काई के आउ किछि नाही नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड ऑटोइम्यून डिजीज रिमेटॉइड आर्थराइटिस जेनेटिक डिसऑर्डर होची ट्यूबरकुलोसिस कैबिस्टा माइट मेंटल डिजीज है स्किजोफ्रेनिया वर्षा होची करंट की चार्ज भी किसी ना से आसु नथिबे ना मो आज कोटी वर्षा होची वर्षा काली पर दिन होतला ऑटोइम्यून डिजीज है सब होची कौन अलस्वामी फल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज टा रिमेटॉइड माने जे कोन रिमेटॉइड आर्थराइटिस माने कोन कहलो जेतेले तुम बॉडी रे कोन हे जाय बहुत मात्रा रे यूरिक एसिड बढी जाय यूरिक एसिड उडा को तुमरो बोन मानकर जाय कि हाड जो हमरा गैप्स थाय बा जहा को हमें कोन जॉइंट्स बोली कहतो सेटी स्टोर हे जाय हला दा को ऑटोइम्यून आपे आपे हुए निजरो बॉडी रे ही ता सेटा हुए बुझी पारु जंती हला जेनेटिक डिज हो ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस गोटे जेनेटिक डिज कि ठीक अच्छे कि कहल एटा तो दह दह भूल अच्छी पूरा जलुची जो भूल अच्छी भूल अच्छी कहूँ से ट्यूबरकुलोसिस टीबीटा जेनेटिक डिज नुह है नुह 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 क्लीयर जेनेटिक डिज नुह ओके तापर स्केबिस स्केबिसटा कौन माइट द्वारा हो पार माइट मैंने छोट छोट कीट पतंग जोटा कामुड़े तुमको कौन काचुकुंडिया टाइप रुदी एटसेट्रा हो पार मेंटल डिजीज है स्किजोफ्रेनिया जहाँ हिस्टेरिया भी कहा जाए पगलमी जहाँ कहते ब्रेन डिसऑर्डर जो हुए कि बीटा क्लीयरली भूल अच्छी ठीक अच्छे ओके कल रात लाइन ना आम आड़े भी होता है मुझे भावली आसिकी सरीगला चूज द करेक्ट अबाउट ऑफ फेनोफ्थैलिन एज एन इंडिकेटर इट टर्न्स रेड इन एसिड्स येलो इन बेसेस टर्न्स कलरलेस हेला इन एसिड पिंक इन बेसेस टर्न्स ऑरेंज इन एसिड्स ब्राउन इन बेसेस टर्न्स कलरलेस इन एसिड ग्रीन इन बेसेस कोटा बेटर ऑप्शन अच्छी व्हाट इज द बेटर ऑप्शन
फेनोफ्थालीन तुम्हें नर्माली जाच जो लिटमसटा लिटमसटा लाइकेन में ताइ है जोटा कि कौन एसीड बेस इंडिकेटर यूज कराए आइदर कलरटा रेड हुए ना ब्लू हुए पढ़ी ना नहीं रेड हेले एसिड बोली कहते ब्लू हेले बेस बोली कहते लिटमस कागज स्कूल टाइम पढ़ुल है छाड़ी मिथाइल ऑरेंज भी यूज हुए है मिथाइल ऑरेंज बोली गोटे टाइप लिक्विड यूज हुए फेनोफ्थालीन यूज हुए सब कौन एसिड बेस इंडिकेटर भाव में यूज हुए फेनोफ्थालीन हो गए एमती इंडिकेटर जदि आम कौन करवा एसीड में बुड़ेगा से कौन कलर चेंज हुए ना कि बेस बुड़े आइदर से पिंक देखा जाए ना रेड देखा जाए पिंक रेड कलरटा आसे ओके बनिया हो जाए हाथी नदी नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अनुसार इमेज फॉर्मेशन को देख है इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज इज लेटरली इनवर्टेड तुम्हें भावुवा पे एमती क्वेश्चन कौन आसो ये कष्ट प्लस टू लेवल क्वेश्चन है ये सेन्टेन्स गुड़ाक लिखाई है सप्तम क्लास बही में थाए आलोक आलोक पाठरे ओके एथेर प्लेन मिरर रे कौन करा जो प्लेन मिरर निया जाय छे दर्पणटा जोटा आम डेली यूज करुच्छ प्लेन मिररटा सिंपल दर्पणटा प्लेन मिरर निया प्लेन मिरर जदि आगे जो ऑब्जेक्टटा ठिया है जो लोक जदि ठिया है ऑब्जेक्ट रु मिरर डिस्टेंस जेतिकी हबो ऑब्जेक्ट हला मिरर रु हला से जो आमर इमेज फॉर्मेशन हबो तार डिस्टेंस भी सेतिकी ही रहे हला डिस्टेंस रिमेन सेम मन रखिबो हला ता सहित आ गोटे जिनस हुए वर्चुअल वर्चुअल काहा को कहा जाय कहलो जदि ऑब्जेक्टटा मिरर आगरे फॉर्मेशन हला इमेजटा ताहले ताकु कोन रियल इमेज बोली कहंती जेमती आमर आखिरे को टाइप रो इमेज फॉर्मेशन हुए रियल इमेज फॉर्मेशन हुए आमर आखिरे रियल इमेज फॉर्मेशन हुए काहे कि बिकॉज आखिरो रेटिना उपरे पड़े इमेजटा दैट इज रियल इमेज किंतु एठी कोन दर्पण उपरे इमेज रहु नै पछकु पळौची दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज लागु वर्चुअल इमेज बोली कहंती ठीक अच्छे आउ गोटे जिनस है इनवर्टेड मैंने देख उल्टा नुह गोड़ तल मुंड नुह लेफ्ट राइट उल्टा लेटरली इनवर्टेड मैंने लेफ्ट राइट उल्टा देखा जाला रियल इनवर्टेड से आमर आखिर ठीक अच्छे आंसर कौन हम वन टू थ्री एटा लेटरली इनवर्टेड लेटरली इनवर्टेड लेटरली राइट आउ लेफ्ट इडे सियाड़े हम ठीक अच्छे आगे चल व्वेन किडनीज फेल टू फंक्शन देर इज एक्युमुलेसन अफ फैट्स इन द बडी प्रोटीन्स इन द बडी सुगर्स इन द बडी नाइट्रोजेनस वेस्ट प्रडक्ट इन द बडी बहुत सहजटा बहुत सहजटा समस्त फटाफट आंसर देते किडनीज्र काम होची आम बॉडी जो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस को रिमूव करवा नाइट्रोजिनस सब्सटेंस लाइक कौन यूरिया सबुठ इम्पोर्टेंट सबुठ इम्पोर्टेंट नाइट्रोजिनस सब्सटेंसटा होती कौन यूरिया यूरिया को रिमूव करने से अच्छी किडनी कामटा कौन यूरिया को रिमूव करने अच्छी तो नाइट्रोजिनस वेस्टा रिमूव हो पार ना आला एक्युमुलेसन हो बॉडी जमीजी रिमूव हो पारना सिंपल जिनस नेक्स्ट जिनस द स्टोन्स प्रेजेंट ला स्टोन्स प्रेजेंट स्टोन्स द स्टोन्स प्रेजेंट इन द गल ब्लाडर अफेक्ट द डाइजेसन हाँ सेटा तो भल ना एग्जाम आसे दुड़धाड़ पिटब खाली ना ना सेमती हुए ना ओनली इंग्लीश आसो ला गल ब्लाडर एफेक्ट द डाइजेसन गल ब्लाडर एफेक्ट द डाइजेसन गल ब्लाडर मैंने कौन कह आमर लिभर लिभर कौन तैयारी करे लिभर गोटे बाइल बोली गोटे रस तैयारी करे पित्त रस जहाँ कहा जाए जो थे कौन था बाइकार्बोनेट्स गुड़ाक था बाइकार्बोनेट्स यही बाइकार्बोनेट्स काम कौन फैट्स को डाइजेसन करवा फैट्स को डाइजेसन करवा यही बाइल गुड़ाक जो से तैयारी करे तारी ऊपर गोटे छोटिया स्ट्रक्चर था पित्त ग्रंथि गल ब्लाडर ता से स्टोर होकर रहे स्टोरेज करुवा जो बेले बेले कौन हुए बाइकार्बोनेट गुड़ाक कौन छोट छोट गोड़ी भाया से रही जाए क्रिस्टालाइज होकरी जाए हेल्ला जहाँ को गल ब्लाडर कौन गल स्टोन बोली कहते जमी कौन आम किडनी रे कैल्शियम ऑक्सालेट द्वारा किडनी स्टोन हुए पड़च हम ना नहीं तो यही सब प्रॉब्लम जदि हम ताल कौन हम फैट्स डाइजेशन ठीक से हो पार ना हेल्ला स्नेह सार जो आम बॉडी को जाऊँगी सेटा डाइजेस्ट हो पारे ना कहीं बाइल मुख्य काम हो फैट्स डाइजेस्ट करवा ओके हाँ साउंड वेव्स डू नॉट ट्रैवल इन कल यहाँ कहुई गोटे प्रकार क्वेश्चन में साउंड वेव्स गुड़ाक वैक्यूम रे ट्रैवल कर पार्बना कहीं साउंड वेव्स आर मेकानिकल वेव्स साउंड वेव्स गुड़ाक होती मेकानिकल वेव्स गुड़ाक मेकानिकल वेव्स को सब मीडियम दरकार है आज जो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुड़ाक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुड़ाक सब प्रकार जगह ट्रैवल करेंगे बिना कौन सा मीडियम आगे चल व्हाट डू वी कॉल द एटॉमिक स्पेसीज ऑफ द सेम एलिमेंट डिफरिंग इन मास हेला एटॉमिक स्पेसीज ऑफ द सेम एलिमेंट एटम्स गुड़ाक सेम एलिमेंट रही है जमी कौन एच वन वन एच वन टू एच वन थ्री कौन कहा जाए प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीन प्रकार हाइड्रोजन तीन प्रकार ना नहीं प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तीन प्रकार अच्छी है सबुरी कौन अच्छी प्रोटन संख्या एक अच्छे तलटा जो वन 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 एटा कौन प्रोटन संख्या बा परमाणविक क्रमांक कहुए कितु ऊपर देख मास नंबर से मास नंबरटा
मास नंबर टा भेरी करुची, मास नंबर टा भेरी करुची, ठीक अच्छी सर, मास नंबर टा भेरी करुची, मास नंबर हैला भेरी करुची, भेरी करुची कौन भेरी कला, वन टू थ्री कहीं की भेरी कला, न्यूट्रॉन संख्या भेरी करुची, न्यूट्रॉन संख्या भेरी करुची हैला, एमन को कौन बोली कहा जाए आइसोटोप्स हैला, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट माने एटॉमिक नंबर सेम किंतु मास नंबर अलग, आइसोटोप कहा जाए आइसोटोप, ओके मास नंबर सेम आउ एलिमेंट संख्या अलग अलग, एटॉमिक नंबर अलग अलग कौन हम आइसोबार कहा जाए, आइसोमर्स माने हैला कौन सीमिक हैला, गोटे पदार्थ जमी ग्लुकोज और फ्रुक्टोज हैला से मानकर फॉर्मूला सिमिलर किंतु स्ट्रक्चर अलग हैला आइसोमर्स कहा जाए। नेक्स्ट ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम, ट्रैप्स इन गैस्ट्रिन टाइलिन पेप्सिन, डाइजेस्टिव एंजाइम नुह हैला, डाइजेस्टिव एंजाइम नुह, ट्राइप्सिन टा कौन करे, ट्राइप्सिन टा कौन करे, ट्राइप्सिन रो काम होची प्रोटीन डाइजेशन करिबा, टाइलिन रो काम होची कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन करिबा, पेप्सिन रो काम होची प्रोटीन डाइजेशन करिबा, किंतु गैस्ट्रिन होची गुटे हार्मोन, गैस्ट्रिन ना रे अछि पिला, गैस्ट्रिन ना रे अछि, गैस्ट्रिक जूस बाहर कोटि, गैस्ट्रिक जूस बाहर स्टोमक रे, गैस्ट्रिक जूस बाहर से गैस्ट्रिक जूस बाहरिबो न बाहरिबो ताको कंट्रोल करबा पे गुटे हार्मोन अछि, दैट इज नोन एज द गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन टा हला हार्मोन, बाकी सब हेले एंजाइम गुडाक। नेक्स्ट सब्सटेंसेस व्हिच आर रेस्पोंसिबल फॉर कैटालाइजिंग केमिकल रिएक्शंस इन द लिविंग सिस्टम, बायो कैटालिस्ट बोली पचारिछि सिंपल भाषा रे हला, बायो कैटालिस्ट लिविंग सिस्टम रे जे हला विभिन्न रिएक्शंस गुडा को केमिकल रिएक्शंस को कोन करूछि हला कैटालाइज करूछि हला, कैटालाइज माने कोन स्पीड अप करबा स्मूथ करबा ताको कोन बोली कहबा, ताको कहा जाय एंजाइम, एंजाइम्स एंजाइम्स गुडा कोन, एंजाइम्स ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सब एंजाइम्स गुडा को प्रोटीन्स द्वारा तयारी, तांकर मुख्य काम होउछि बायो कैटालिस्ट भाबरे काम करबा, जमी बायोकैटालिस्ट ग्राउंड डाइजेशन रे बहुत गुड़ा प्रोटीन्स अच्छे एंजाइम्स अच्छे जोटा कि डाइजेशन को स्पीड अप करे, बहुत सहज क्वेश्चन टा आगू चल। नेक्स्ट फटाफट सारे बहुत शीघ्र, कनसीडर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना, टेरेस्ट्रियल हिटिंग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, चारि प्रकार लाइट रो सॉरी लाइट रो तीन प्रकार कैरेक्टरिस्टिक देछि, आ गोटे हला टेरेस्ट्रियल हिटिंग देछि, कहा द्वारा माइरेज फॉर्मेशन हुए, माइरेज हला मिराज बा माइरेज टा कहा द्वारा फॉर्मेशन हुए, किए किए एथिरे आसीबे, मिराज कौन जोटा आम डेजर्ट रिजन रे पानी न था कि भी पानी भी भाया देखा जाए, रोड रे गला बेले कौन दूर दूर रोड टा कि बहुत दूर थी जगटा खरा दिन मानक पानी पानी देखा जाए हैला, फ्रुक्टोज आउ ग्लुकोज C6H12O6 बोथ रो सेम फर्मूला किंतु स्ट्रक्चर अलग, आइसोमर्स ओके। मिराज फॉर्मेशन होवार मुख्य कारण कौन, यहाँ हूँ भूभागटा, भूभाग गरम है, भूभाग गरम होगा द्वारा कौन है, ये हॉट एयर अच्छी, ये हॉट एयर अच्छी, हॉट एयर हैला ता ऊपर कौन अच्छी कोल्ड एयर, ता ऊपर कोल्ड एयर रही थोड़ा तलटा जोटा भूभाग सहित लगिकी अच्छी सेटा हैला हॉट एयर, जोटा ऊपर अच्छी सेटा हैला कोल्ड एयर, जितेबाला सनलाइटा पड़ू सनलाइट, सनलाइटा जो पड़ू कौन हो कहल सनलाइटा गोटे मीडियम आउ गोटे मीडियम को ट्रावेल करुच्ची, जितेबाला से ट्रावेल करुच्ची कौन कर, जितेबाला से ट्रावेल करुच्ची से एक्जाक्टली दुटा सरफेस रहा कोल्ड आउ हॉट सरफेस रो एक्जाक्टली सामान भाव में ट्रावेल कै 90 डिग्री रेस हैला 90 डिग्री या सहित 90 डिग्री से ट्रावेल कर नॉर्मल सहित से सब छाड़ दि है जहाँफल कौन हम रिफ्रैक्शन हम रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रिफ्रैक्शन केमी हम बोथ कोल्ड एयर आउ हॉट एयर मझीर हम है गोटे लेवल सरफेस हम जहाँफल कौन हुए लाइटा जो एंगल आसी थाए से एंगल में फेरी जाए दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ए टाइप रिफ्लेक्शन को कौन बोली कहा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोली कहा जाए कि कौन बोली कहा जाए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जैसे आसाला सब रिफ्लेक्ट होगा रिफ्लेक्शन हम ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम टेरिस्ट्रियल हिटिंग जो हूँ भूभाग गरम हवा जो यहाँ गरम दिन में एमती हुए आंसर हम कौन 1 and 3 एग्जाम जेबे भी हो किसी गारंटी नहीं एग्जाम रो समस्ते निजक रेडी रखंतु हला भावंतु ना जे हाँ हो था जेबे आसीब दुई दिन पूर्व सब पढ़ीदेवी बोली गोल्डेन अपॉर्चुनिटी मिली 15-20 दिन जदि एक्स्ट्रा मिल जाऊँ कौन तुम्हें 5, 8, 10 मार्क एक्स्ट्रा पाइपर रिमेम्बर दैट हैला आउ जदि मन कर यही समय भावुन गोटे टॉपिक भाव गोटे जिनस भाव जे एबे समय मिली मन कर 15 दिन आमको समय मिलला कि मसे समय मिलला जदि आम जदि न पढ़ले आपको वेस्ट करदे आउ कल की जदि आम एग्जाम 5 मार्क आम कौन कटिगले कौ प्रकार बाधिव भाव से कौन थमती था सब किसी मायने रही देर विल बी नथिंग सो जहाँ अच्छी एवं अच्छी ठीक अच्छे रिफ्रैक्शन टा टोटल इंटरनाल रिफ्रैक्शन नो टोटल इंटरनाल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अलग बंकेवा
ଆଉ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇବା। ଓକେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନରେ ହିଁ କାମ କରେ ପୁରାପୁରି ଠିକ। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଭାବିନିଅ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସିମ୍ପଲ ଭାଷା ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ କମନ ମାନେ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରର କଥା କହିବି ନା, ପିଲେ ତୁମେ ଯଦି ମନେକର ତୁମ ବସ୍ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଲା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଥାଉ ହେଲା, ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାଲିଥାଉ, ତୁମ ଘରେ କିଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଥାଉ କି ତୁମର ହେଲା ୱାଇଫ୍ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାଉ, ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଥାପଡ଼ ମାରିକି ପଳେଇଥାଉ, ତୁମେ ଯେତେ ଟେନସନରେ ଥାଅ ହେଲା, କାମ ଯଦି ନ ଦେବ ନା କାଲିକି ସେ ପଚାରିବ। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ହେଲା ନୋ ୟୋର ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍ ହେଲା, ଦୁନିଆରେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଖାଲି ତୁମେ ଶୁଣିବ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ହେଲା, ଦୁନିଆରେ କେହି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ରିମେମ୍ବର ଦିସ୍, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କେହି ଶୁଣିବେନି ହେଲା, କେହି ବି ଶୁଣିବେନି, ଖାଲି ତୁମେ ହିଁ ଶୁଣିବ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍, ଏନି ହାଉ କରିବାର ଅଛି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ କୋଇ ନାହିଁ ଶୁଣିବା। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇକି ହେଇକି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଠିଆ ହେଲେ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଇମେଜ୍ ପଳେଇବ ତୁମକୁ, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିବନି, ସେ ବି କ'ଣ ତାକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜେସ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜର୍ଭଡ୍ ବାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜର୍ଭଡ୍ ବାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଭାଇଲେଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ବ୍ଲୁ ରେଡ୍, ଇଣ୍ଡିଗୋ ୟେଲୋ, ୟେଲୋ ଭାଇଲେଟ୍, କେଉଁଟା କେଉଁଟା ହେବ? ଲାଇଟ୍ ଆର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜର୍ଭଡ୍ ବାଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହେଲା, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କେଉଁଟା ହୁଏ? ଗ୍ରୀନ୍ ହୁଏ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟଟା ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ଟା, ଗ୍ରୀନ୍ଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହୁଏ ବୋଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଲାଇଟ୍ଟା ଅବଜର୍ଭ ହୁଏ? ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍, ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍, ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ହେଲା, ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଫର୍ ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଆଲୋକ ଶ୍ଲେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅବଜର୍ଭ କରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ରେଡ୍ କଲର୍ଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଇଫିସିଏଣ୍ଟ କଲର୍, କ'ଣ ପାଇଁ? ଫୋଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇଁ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଲିଭର୍? ଲାଇପେଜ୍, ୟୁରିଆ, ମ୍ୟୁକସ୍, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ୍, କେଉଁଟା ହେବ? ହେଲା ଲିଭର, ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍, ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ? ଓକେ କ'ଣ ହେବ ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍, କ'ଣ ହେବ ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍, କ'ଣ ହେବ ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁରିଆ, 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 ଲିଭରର ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ୟୁରିଆ ହେଲା, ୟୁରିଆ ଫର୍ମେସନ୍ କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ବଡିରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଉଛୁ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଏମିନୋ ଏସିଡ଼୍ଟା ଆମୋନିଆ ହେଇଯିବ, ଆମୋନିଆଟା ଆମ ବଡି ପାଇଁ ବିପଦ ଖରାପ, ଆମ ବଡି ପାଇଁ ଏଇଟା ଟକ୍ସିକ୍ଟା, ଆମୋନିଆକୁ ଲିଭର୍ କ'ଣ କରିବ, ୟୁରିଆରେ କନ୍ଭର୍ଟ କରିବ, ଏଇ କାମ ହେଉଛି ଲିଭରର, କ୍ଲିୟର, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ୟୁରିଆ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଲିଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ବି ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ? ଆମ ବଡିରେ ଏମିତି ସେଲ୍ସ କୁହ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସେଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ରିପ୍ଲେସ୍ ହେବାର ସବୁଠୁ କମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଯଦି ସେଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲା ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୱିଚ୍ ସେଲ୍ସ? ମୁଁ ଟିକେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ ପିଲେ, ମୁଁ ଫିଲ୍ମି କଥା କହେ ନାହିଁ, ତୁମେ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ ଜାଣିସାରିଥିବ, ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ସେ କ'ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଡାଇଲଗ୍ସ ଏଟସେଟ୍ରା ମୁଁ କହେ ନାହିଁ ହେଲା, ମାନେ ମୋର ଯେଉଁଟା ମାନେ ତୁମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାର ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍, ମୋର ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା, ମୋତେ ଆସେନି ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଲାଇକ୍ଲି ଟୁ ବି ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ, ନ୍ୟୁ ସେଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ନ୍ୟୁରନ୍ସ, ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ, ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ, ନର୍ଭ ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ, ୱାନ୍ସ ଯଦି ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ନୂଆ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ହେଲା ଡିଭିଜନ୍, ଦୋ ଡେଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ କ୍ୟାପାସିଟି ଟୁ ଡିଭାଇଡ଼, ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇ ହେଇ ଚାଲୁ ଆମକୁ ଆଲଜିମିୟର୍ସ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ଆଲଜିମିୟର୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଶୁଣିଥିବ, ପର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍, ଆଲଜିମିୟର୍ସ ଡିଜିଜ୍, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ଧୀରେ 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 ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁ ଆମେ ଭୁଲିବା ହେଲା, ଯେତେ ବୁଢ଼ା ହେଇ ଚାଲିବ ଆଉ କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଇକୋଲୋଜି, ଡାଇଭର୍ସିଟି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି, ତୁମେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛ, ଦେଖିବ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓପିଏସ୍ସି ଅନଏକାଡେମୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବ, ସବୁ ମିଳିବ ହେଲା, କାଲି ତୁମକୁ ପୁରା ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି କାଲିର କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଲା, ସବୁ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟ କାଲି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ହେଲା। ୱିଥ୍ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଦ ଫେଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆର୍ କରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ? ୱେନ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଫ୍ରିଜେସ୍ ଇଟ୍ ରିଲିଜେସ୍ ଥର୍ମାଲ ଏନର୍ଜି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ୟାକୁ ଦେଖ ହେଲା, ସହଜ ଜିନିଷଟା, କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହଁ, କମନ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଅଛି, ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଖାଲି ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଫେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଫେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲା, ଫେଜ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଇଦର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟରଟା ସଲିଡ୍ରୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡ୍ରୁ ସଲିଡ୍ ହେଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡ୍ରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଗ୍ୟାସ୍ ଟୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ହେଉଛି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫେଜ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଟରର ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଠିକ୍ କେଉଁଟା ବାଛିବାର ଅଛି। ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ୍ କରିବ, ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ କରୁଛି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲା, ଲିକ୍ୱିଡ୍ଟା ସଲିଡ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଅ, ୱାଟର୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଇସ୍ ହେଉଛି, ୱାଟର୍ ଆଇସ୍ ହେଲେ
जदि वाटरटा आइस हम है से एनर्जी छाड़ब ना एनर्जी नब से हिट छाड़ब ना हिट नब कह वाटरटा कौन कर थंडा हेले आइस हम ना थंडा मैंने कौन से हिट छाड़ब थंडा मैंने हिट छाड़ब येस है रिलीजियस थर्माल एनर्जी करेक्ट अच्छी ओके करेक्ट अच्छी तार चारिपट को से एनर्जी छाड़ब करेक्ट अच्छी वैन सॉलिड मेल्ट जदि सॉलिडटा मेल्ट कर थर्माल एनर्जी रिलीज कर हम कि यहाँ है जितने सॉलिडटा मेल्ट कर मनेकर आइस अच्छी आइस को आम आइस एनर्जी पाइले मेल्ट कर ना एनर्जी छाड़े मेल्ट कर ऑब्वियसली एनर्जी पाइले मेल्ट कर ना से ताकू हिट पाइले से गरम हो मेल्ट कर तो थर्माल एनर्जी रिलीज हे ना रिलीज हे ना से पाइब से नब बुझिपारुंट है यहाँ गला टू कटिला नेक्स्ट है आग को व्वेन ए सॉलिड मेल्ट टेम्परेचर इनक्रीज सब मन रख पिला जितेबाला फेज चेंज हुए ना जितेबाला फेज चेंज हुए से फेज चेंज जहाँ भी होता है सॉलिडटा लिक्विड हो लिक्विडटा सॉलिड हो दुनिया रे कौनसी काम बिना एनर्जी रे ही परिबो नहीं दुनिया रे कौनसी काम आपे आपे होता भाया देखा जाते कि ना कि एनर्जी दरकार ही पड़ो सियोर बुझिपारुंट सियोर सियोर हम कर्पूर जल से सीधा गैस हो कौन बोली कह जाए है कर्पूर जल से सीधा गैस हो जाए कौन कहती ए कौन बोली कह जाए कहल से कह तुम मुझे कौच फेज चेंजटा फेज चेंज रे कौन हम सॉलिड लिक्विड हो लिक्विड गैस हो जहाँ भी हो अवस्था परिवर्तन है मैंने सियोर एनर्जी दरकार पड़ो एनर्जी सियोर दरकार पड़ो से एनर्जीटा कौन हिट अच्छी ना हिट एनर्जीटा यूटिलाइज हुए कौन बोली कह जाए टेम्परेचर में एक्सप्रेस हुए ना केतले अवस्था परिवर्तन हुए टेम्परेचर चेंज हुए ना कन्स्टांट रहे मन रखिबो अवस्था परिवर्तन समय तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन देखा जाए ना सब्लिमेशन कह जाए जो पचार कन्स्टांट रहे जहाँ कौन बोली कह गुप्त ताप बोली कह जाए जितेबाला गोटे फेज चेंज हुए हिट जहाँ दरकार पड़े कौन कह जाए दैट इज नोन एज द लेटेंट हिट तो यहाँ गला आंसर टू थ्री बोथ कटिला आंसर हम ओनली वन आंसर हम ए बुझिपारे समस्ते ये कहीं टे बड़ क्वेश्चन से टाइम ने दुई मिनिट या बुझेवाप हेगला आगु चलो इन द ह्यूमन बॉडी व्हिच स्ट्रक्चर इज द अपेंडिक्स अटैच्ड टू अपेंडिक्स टा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाए बा सिंपली अपेंडिक्स बोली कहा जाए वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हैला अपेंडिक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहा जाए जिया सदृश अंगटा जोटा कि आमर कौन पूर्व पुरुष मानक कौन एक्टिव थिला एबे आमर एक्टिव नहीं एटा गोटे वेस्टिजियल ऑर्गन माने कौन पिला वेस्टिजियल ऑर्गन माने जोटा आमर आगुरु थिला पूर्वपुरुष मानकर से कौन घास पत्र खाऊ सेलुलोज डाइजेशन करूला एंजाइम रिलीज करूला किंतु एबे आमे ओमनिवोरस होगले मांसाशी होगले सब खाऊ दैट इज वाई काम करूना यहाँ कौटी था लार्ज इंटेस्टाइन सहित लगिकी था लार्ज इंटेस्टाइन बृहदंत्र लार्ज इंटेस्टाइन तो सहित लगिकी था नॉट स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन लाइटा गोटे वेस्टिजियल ऑर्गन वेस्टिजियल मैंने कौन जो आगुरी काम करूला आंब भी काम करूना नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसेप्टिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन डेटॉल डेटॉल रे को एंटीसेप्टिक कंपाउंड थाए डेटॉल रे को एंटीसेप्टिक कंपाउंड थाए डेटॉल रे मन रखा वन लाइनर टा क्लोरो जाइलेनॉल थाए क्लोरो जाइलेनॉल टा होची एंटीसेप्टिक कंपाउंड जोटा डेटॉल रे था एंटीसेप्टिक लिक्विड भावरे यूज होय ना एटा वन लाइनर टा को मन रखिबो हला वन लाइनर क्वेश्चन टा एथलेट्स फिट इज ए डिजीज कॉज्ड बाय एथलेट्स फिट टा गोटे डिजीज काहे की हुए खाली पढ़ीथिले एथलेट्स मानकर हार्ट बड़ थाए वो बड़े दिल वाले होते हैं है आज पढ़ु एथलेट्स मानकर कौन गोड़ गुड़ाक फाटिकी था एक्चुअली एथलेट्स फिट्र अर्थ हो एथलेट गोड़ फाटिकी था सेटा कहू ना है एथलेट्स फिट हूँ गोटे एमती डीज जो थे कौन है लोकंर जो एडीटा अच्छे एडी मैंने जाचो ना पाद तलटा सब वर्ष सारा वर्ष को 13 मास कौन थाए फटा धरी थाए पूरा फटा रोग है पादटा सब फाटिकी थाए पूरा आ मैंने जिया बिछा सब रही एत बड़ बड़ आ ही थाए है से कौन दैट इज एथलेट्स फिटा कौन फंगाल डीज फंगाल एस्पेसियली से ही फंगाल डीजा हुए जो मैंने किचेन आम गाँव मानक सब किचेन गुड़ा कौन गोबर फोबर करा जाए ना नहीं गाँव मानक मटी घर गुड़ाक थाए कि जो मैंने एस्पेसियली कौन कंटिन्यूअसली चाष जमी काम करटर जो मैंने कंट्राक्ट अच्छा से फंगस था फंगस जो टीनिया पेडिस जो एथलेट्स फिट डीजा हुए ओके नेक्स्ट नेम द टर्म गिवेन टू अबनर्माली लो लेवल्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स व्हाइट ब्लड सेल्स जदि एबनर्माली आम बॉडी लो हो गला आम बॉडी एबनर्माली जी रहा कथा जदि ताठू कमी गला मन रखियो पिला एटा कौन रेलवे एग्जाम नुह एटा रेलवे एग्जाम नुह जे कौन तुम WBC काउंट RBC काउंट ब्लड प्लेटलेट्स काउंट सब प्रकार एग्जाम भिन्न भिन्न प्रकार क्वेश्चन पैटर्न था बुझल ना ना रेलवे एग्जाम तुमको से सब पचार काउंट पचार
हेला केते संख्या थे एटा सब पचार एएसओ एग्जाम तुमको कनसेप्ट क्वेश्चन पचार एमितिया क्वेश्चन है से नंबर फंबर घुसवा दरकार ना ठीक अच्छे एबनॉर्मली लो लेवल्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल कौट थी ल्यूकोपेनिया 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 कहीं ल्यूकोपेनिया हम कहीं अन्य ऑप्शन हेनी कहीं हेनी कह ल्यूकोमिया मैंने हूँ ब्लड कैंसर डब्ल्यूबीसी संख्या बढ़ी जाए बहुत दैट इज ब्लड कैंसर ल्यूकोमिया है लिम्फोसाइट है निजे गोटे डब्ल्यूबीसी से गोटे डीज नुह थ्रोम्बोप्रोटीनटा हल कौन थ्रोम्बोप्रोटीन हूँ गोटे एमती एंजाइम जोटा कि कौन थ्रोम्बोप्लास्ट आमर जो थ्रोम्बोसाइट्स गुड़ाक या हेल्प कैर थ्रोम्बोसाइट्स क्या कह जाए ब्लड प्लेटलेट प्लेटलेट्स गुड़ाक या से हेल्प कैर से न मन रखिले भी चलो नॉट इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है ल्यूकोपेनिया आउ ल्यूकोपेनिया ल्यूकोमिया मैंने ब्लड कैंसर ल्यूकोपेनिया मैंने व्हाइट ब्लड सेल कमी एबनॉर्मली लो लेवल मैंने ल्यूकोपेनिया उल्टाटा हूँ ल्यूकोमिया एबनॉर्मली हाई लेवल जहाँ को ब्लड कैंसर बोली कहुए है एक्जेक्टली पिला आम हुए कौन कि आम क्वेश्चन एक्जेक्ट जो टाइप एग्जाम आसे ना से पढ़ले बेटर है ठीक अच्छे बुझिपार हाँ एवं हाई लेवल क्वेश्चन आसूसी बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन गुड़ाक सेमती आसे एएसओ रे सरी आमर रेलवेज गुड़ाक सब एग्जाम भिन्न भिन्न पैटर्न था क्वेश्चन देख ध्यान देखिए देखिले तुम निजे जापर वैन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर विल फॉल राइज रिमेन सेम फॉल राइज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर जदि है मनकर आम पाखे गोटे डेक्ची अच्छी तापर एड़ी गोटे आइस गोटे जब आम थुचु आटा मेल्ट कर आइस फ्लोट करूला मेल्ट कर आइस जदि फ्लोट कर किसी तो बुड़ी रोह ना आइसटा कि बुड़ी रोह माने पानी रो किसी भल्यूम से एक्वायर कर से जो वाटर उपरे से किसी भल्यूम से एक्वायर कर किसी आयतन से नहीं जो आइसटा मेल्ट कर आयतन से रही कहीं आइसटा कौन था वाटर रू भल्यूमटा अधिक था एक्सपांड करके रोहे मेल्ट कर गले से पुणी संकुचित होती जगह से नहीं रही सेम रिमेन सेम रिमेन सेम है सेम रके नेक्स्ट डिपोजिशन अफ यूरिक एसीड क्रिस्टाल्स एट द जॉइंट एवं कही जस्ट कही पिला यूरिक एसीड क्रिस्टाल्स गुड़ाक जदि अधिक होगा आम बडी यूरिक एसीड जदि अधिक होगा एमिनो एसीड अत्यधिक है यूरिक एसीड अत्यधिक हो जाए यूरिक एसीड गुड़ा कौटी जाए जमी जाए आमर बोन्स मानक जॉइंट्स रही जाए जहाँ को आर्थराइटिस कहुए दैट इज नोन एज द आर्थराइटिस बुढ़ा बुढ़ी एज समय तुमको एमती प्रोब्लेम्स गुड़ाक हुए एस्पेसियली जो मैंने बेसी कौन मांसाशी है बाघ सिंह भाया जीव मैंने जो मैंने अच्छा दिनक तीन थर ननवेज खाऊँच से ही भाया जीव मानक एमतिया प्रोब्लेम बुढ़ा बयस हुए हैला ऑस्टियोपोरोसिसटा हैला बोन्स गुड़ाक कौन हो छिद्राल दे जाए बोन्स गुड़ाक कणा कणा हो बोन्स कैल्सियम कमी कैल्सियम केवे कमे जो तुम बुढ़ा हाँ बुढ़ा हाँ समय बोन्स कौन कैल्सियम कमी जाए बोन्स गुड़ाक है छोट 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 छिद्र हो कंपैक्ट रही बाथरूम जाऊला बुढ़ी समय बुढ़ा समय तुम 70 वर्ष हो बाथरूम को जाऊला स्लीप कर गला बोल गोड़ भांगीगला आउ केबे जोड़ा ना दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस ओके बुझी पार इस उम्र में जब हड्डियां टूटती है ना तो वो जुड़ती नहीं है ऑस्टियोमालेसिया ऑस्टियोमालेसिया कौन विटामिन डी है ऑस्टियोमालेसिया ऑस्टियोमालेसिया रिकेट्स एगुड़ा हूँ विटामिन डी डिफिशिएंसी जो हुए ठीक अच्छे आंसर है भाई आर्थराइटिस नेक्स्ट आगे चल एनायंस आर फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनायंस गुड़ा कौन कह पिला पॉजिटिव आयंस को एनायंस कह जाए ना नेगेटिव आयंस को एनायंस कह जाए है को आयन्स गुड़ाक आमर आयन्स गुड़ाक जितेबले गोटे एटम जदि गोटे न्यूट्रल एटम जदि इलेक्ट्रॉन लॉस करे जदि से इलेक्ट्रॉन छाड़ी देला ताले से कोथरे कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन लॉस करथुवा वाला को आयन मान हला गोटे चार्जित कणिका हो कौन हो इलेक्ट्रॉन जदि लॉस कर देला से कौन हो पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज वाला को कौन कह जाए कैटायन बोली कह जाए पॉजिटिव चार्ज गुड़ाक कैटायन बोली कह जाए जितेबले कि नेगेटिव चार्ज मानक एनायन बोली कह जाए ला जो मैंने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन जो मैंने गेन कले से होती एनायन कहीं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पाइले एक्स्ट्रा चार्ज रहा नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज हेले कौन हम गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हम आंसर हम डी ओके ठीक अच्छे नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हार्ट साउंड इज करेक्ट है हार्ट साउंड्स आर कॉज्ड बाय द इंटरनल ब्लड फ्लो इनसाइड द हार्ट हार्ट साउंड्स आर कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल ब्लड फ्लो आउटसाइड द हार्ट हार्ट साउंड्स आर कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द हार्ट ये जो ऊपर साउंड अच्छी दैट इज नॉट माय हार्ट साउंड ये गोटे कौन कौन से औषध फौषध पिटुची सकाल खाइबा पे नॉर्मल साउंड्स आर कॉल्ड मर्मर्स कौन कह जाए है हार्ट साउंड जो आसे हार्ट बीट हार्ट बीट हार्ट बीट हार्ट बीटा हूँ कौन आम हार्ट मानक चेम्बर्स मझे 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 कौन था हार्ट चेम्बर्स मझे मझे है
ଭାଲ୍ଭସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ, ଭାଲ୍ଭସ୍ ଭାଲ୍ଭସ୍ ପତଳା ପତଳା ମସଲ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼୍ଟା ଫ୍ଲୋ କରେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ଫିଟ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହେବ, ଯାହାକୁ କ'ଣ ଆମେ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମନେ ରଖିବେ ହାର୍ଟ ଭାଲ୍ଭସ୍ ଗୁଡ଼ାକର ହେଲା ଓପନିଂ କ୍ଲୋଜିଂ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ହୁଏ, ହାର୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ଲପ୍ ଦପ୍। ନେକ୍ସଟ, ଟୁ କିପ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଫର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଥର୍ମସ୍ ବଟଲ, ଥର୍ମସ୍ ବଟଲ୍ର ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା କ'ଣ ହେବ, କୋଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ପେଣ୍ଟ, ଲିଡ୍ ପାଉଡର, ସିଲଭର ଲେୟର, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେୟର, କେଉଁଟା ହେବ? ନର୍ମାଲି ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ପିଉଛୁ ଆମେ, ଟେମ୍ପରେଚର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରଖୁଥିବା ବୋଟଲ ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ବୋଟଲରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଚେମ୍ବର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଥାଏ ନା ନାହିଁ? ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଥିବ ତାର, ହେଲା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଥାଏ, ହେଲା ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ପାଣିଟା ରହୁଥିବ ତାପରେ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା ଥାଏ। ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ କାହିଁକି ରଖାଯାଏ କହିଲ ପିଲାଏ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ଟା କାହିଁକି ରଖାଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିଟ୍ଟା କ'ଣ କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହିଟ୍ଟା ଗରମ ପାଣି ଯଦି ଗରମ ଚା ଯଦି ଆମେ ରଖିଛୁ ତାହେଲେ ହିଟ୍ଟା କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ହିଟ୍ଟା ପଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ହିଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ରେଡିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ, କ'ଣ କରିପାରେ, ରେଡିଏଟ୍। ରେଡିଏସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମିଡିୟମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ମିଡିୟମ୍ ଦରକାର, ତାପ ସଞ୍ଚରଣ ହେବା ପାଇଁ ମିଡିୟମ୍ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ରେଡିଏସନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ରେଡିଏସନ୍ଟା କ'ଣ ୱେଭ୍ଟା, ୱେଭ୍ ହେଲା, ସେ ୱେଭ୍ ଆକାରରେ ପଳେଇବ, ହେଲା ରେଡିଏସନ୍ ପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ହେଲା ମିଡିୟମ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଭାଇ କ'ଣ ରେଡିଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ବି ପଳେଇ ପାରିବ ବୋଲି ରେଡିଏସନ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ସିଲଭର ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରେଡିଏସନ୍ଟା କମ୍ ହେବ, ସିଲଭରି ଲେୟର୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ, ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସି। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ, ଆଡିଆବାଟିକ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲିଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଓର୍ ଅଫ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍, ଗ୍ୟାଲେନା, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍, ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟ, ସିନାୱାର? ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେୟର୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ପ୍ଲେଟ୍, ସିଲଭର ଲେୟର୍ ବି ଦିଆଯାଏ ସାମ୍ନାରେ, ପଛପଟେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଲେୟର୍। ଓକେ, କେଉଁଟା ହେବ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ର କେଉଁଟା ହେବ, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍ ବକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ମନେ ରଖିବ, କ୍ରାୟୋଲାଇଟ୍ ବକ୍ସାଇଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି ହେଲା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଓର୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଗ୍ୟାଲେନାଟା କାହାର ଓର୍ କହିଲ, ଗ୍ୟାଲେନାଟା କାହାର ଓର୍, ଲିଡ୍ ଓର୍, ଲିଡ୍ ଲିଡ୍ ଲିଡ୍ର ଓର୍କୁ ଗ୍ୟାଲେନା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଓର୍କୁ ସିନାବାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ସଲ୍ଫାଇଡ୍ ହେଲା ସିନାବାର, ଲିଡ୍ ସଲ୍ଫାଇଡ୍ ହେଲା ଗ୍ୟାଲେନା। ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟଟା କ'ଣ କରାଯାଏ, ଏପ୍ସମ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଆମର ହେଲା ମସଲ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ଫିଜିଓଥେରାପିରେ, ସେଇଟା ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଚଳିବ। ନେକ୍ସଟ, ପିପୁଲ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏସିଡ଼ିଟି ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ହେଲା ଟେବ୍ଲେଟ୍ସ ୱିଥ୍ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଲ୍ଟସ୍। ପିପୁଲ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଡ଼ିଟି ହେଉଛି ସମୁଲଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଟେବ୍ଲେଟ୍ ଦିଆଯାଏ। ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଥାଏ, ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ରେ ଥାଏ ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମିଲ୍କ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ MgOH2। MgOH2 ଆମେ ଖାଇଲେ ହେଲା ଆମ ପେଟରେ କ'ଣ ଅଛି, HCl ଅଛି, ଆମ ପେଟରେ ଏସିଡ଼୍ କେମିତି ହେବ, HCl ଯୋଗୁଁ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଷ୍ଟୋମାକରୁ କ'ଣ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବାହାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ପରେ MgCl2 ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସଲ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଯିବ ହେଲା, ଆଉ ୱାଟର୍ଟା ବାହାରିଯିବ। ସଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ଏସିଡ୍ କମିଗଲା, ସଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରସମୀକରଣ। ଓକେ, ପ୍ରସମୀକରଣ କରିବା କାମ ହେଉଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ର, ଇନୋର। ଓକେ, ଏସିଡ଼ିଟି କମେ ଆଣ୍ଟାସିଡ଼୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଇଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଟେକିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ରିଲିଜିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ରିଲିଜିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଟେକିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜିଂ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଟେକିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିଲିଜିଂ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, କ'ଣ ହେବ? ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କ'ଣ କରେ, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍କୁ ୟୁଜ୍ କରେ, ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ରୁ ନିଏ, ବଦଳରେ ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ଟା ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦେ ପରଫର୍ମ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଫୁଡ୍ ବି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେର୍ ବି ଆମେ ତାକୁ କାଟି ଚାଲିଛୁ। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆସେସୋରୀ ଡାଇଟରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା, ଆସେସୋରୀ ଡାଇଟରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆସେସୋରୀ ଡାଇଟରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଦେଖ, ଆମର ଡାଇଟରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମାନେ ଖାଇବାର ଯେତିକି ଉପାଦାନ ଅଛି, ଆମର ଡାଇଟରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ତିନି ଜଣକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏସେସୋରୀ କହିବା ନାହିଁ, ଦେ ଆର୍ ଦ ଏସେନ୍ସିଆଲ ହେଲା, ତିନି ଜଣ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କହିଲ, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ ହେଲା, ତାପରେ ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ଆଉ କିଏ ପ୍ରୋଟିନ୍ସ, ଏମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଏମାନେ ନ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ମାଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ହେଲା ଅପପୁଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ, ଫ୍ୟାଟ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ସ ଆମକୁ ଠିକ୍ ଭଳି ଭାବରେ ମିଳିବା କଥା, ଦେ ଆର୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ, ଏମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ଼ାକ। କିନ୍ତୁ ଏସେସୋରୀ କେଉଁମାନେ ହେବେ, ଏସେସୋରୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେବେ ଭିଟାମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା, ଭିଟାମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଆର୍ ଦ ଏସେସୋରୀ ହେଲା। ହରମୋନ୍ସ ତ ଆମେ ଖାଇବାନି ନା, ହରମୋନ୍ସ ଆମ ବଡ଼ିରେ ତିଆରି ହୁଏ, ଭିଟାମିନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଏସେସୋରୀ ଡାଇଟରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଜୀବସାର, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡିଜିଜ୍ ଫ୍ରି ରଖନ୍ତି ହେଲା, ବଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, DDT ହେଲା ଇଜ୍ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ, TNT ଇଜ୍ ହେଲା ଇନ୍ସେକ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ହେଲା, RDX ଇଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍, LSD ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରାଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ।
करेक्ट कहिछि, करेक्ट करेक्ट पचारिछि। लाइव भितर देख गोटे देखिए एल एस डी देखिए एल एस डी कौन कह पे लिसर्जिक एसीड ला, लिसर्जिक एसीड ला डाइ ला इथालामाइट ला लिसर्जिक एसीड डाइ इथालामाइट एटा जदि तुम घर मिलबो ना तुमको जेल हो जीवो। दिस इज ड्रग्स ला ड्रग्स बोलिया को कहा जाए निशा द्रव्य ला निशा द्रव्य एटा निशा द्रव्यटा ला एटा हो जी कोन उटे निशा द्रव्यटा एंटी वायरल कंपाउंड नो ओके इलीगल ड्रग। आरडीएक्स रो अर्थटा कोन कहला आरडीएक्स माने हो जी रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव है जोटा कि कौन फिल्म मानक तुम्हें देखी बागोला बारूद गुड़ाक या यूज कराए एक्सप्लोसिव करेक्ट अच्छी टीएनटी ट्राइनाइट्रो टॉलविन, ट्राइनाइट्रो टॉलविनटार भी गोटे कौन एक्सप्लोसिव आरडीएक्स भाया ट्राइनाइट्रो टॉलविनटा भी हूँ कौन गोटे एक्सप्लोसिव ट्राइनाइट्रो टॉलविन है ठीक अच्छे। तापर डीडीटी, डीडीटीटा हूँ एंटी बैक्टेरियल कंपाउंड है डीडीटी हूँ एंटी बैक्टेरियल हम कि हम ना कौन हम ये इनसेक्टिसाइड हम, इनसेक्टिसाइड हम इनसेक्टिसाइड क्लीयर कौटा हम करेक्ट कौटा देखिए करेक्ट कौटा देखिए पिला आरडीएक्सटा करेक्ट देखिए बाकी सब भूल क्लीयर डन बुझीगले। जियोग्राफी कथा किए पचारुंट साइंस क्लास रे कौन पूछ रहा है जियोग्राफी माराथन हो संध्या सतटा है 7 PM ओके 7 PM रे होची। नेक्स्ट ए पिला कमेंट बॉक्स कौन पूरा खाली जाऊँ लाइक शेयर करू न भलसे है कष्ट करता है लाइक शेयर भी नहीं करता है। व्हिच नोबल गैस इज यूज्ड इन रेडियोथेरापी, रेडियोथेरापी रेडियोथेरापी कौन पे करा जाए रेडियोथेरापी गुड़ा कौन कैंसर ट्रीटमेंट रे करा जाए है कैंसर डायग्नोसिस एक्चुअली कैंसर डायग्नोसिस रे है कौन करा जाए रेडियोथेरापी यूज करा जाए कैंसर सेल्स मानकु चिन्हिबा पई है रेडियोथेरापी यूज करा जाए रेडन, रेडन टा यूज करा जाए रेडन, रेडन गैस इट इज ए इनर्ट गैस नोबल गैस टा है रेडियोथेरापी करा जाए ठीक अच्छे। आणवि डोंट वोली पॉलिटिक्स केबे आणवि हिस्ट्री केबे आणवि इकोनॉमिक्स केबे आणवि आगो को सब जानि जेबे सेशन लाइव हेले पूरा जानि जेबे आगो को आसुची डोंट वरी बहुत शीघ्र आसुची ओके आगो चलो। परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर इज ड्यू टू क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट सल्फेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड सिल्वर पोटासियम कोटा हो शीघ्र को परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, परमानेंट ऑफ हार्डनेस, हार्डनेस माने कोन खाद्य जो पानी रे शीघ्र सिजे नहीं खाद्य भलसे सीझु ना डाली सीझु ना है से पाटा गाधेले कौन खारिया खारिया लगुच देह फाटी जाऊट इज कल्ड हार्ड व्वाटर ताकू आम हार्ड व्वाटर बोली कह हार्ड व्वाटर केमी हुए खर पा केमी आसे खर जल केमी आसे जदि से कैल्सीयम मैग्नेशियम सल्ट अत्यधिक मात्रा थाए सल्फेट क्लोराइड्स गुड़ाक कैल्सीयम सल्फेट, कैल्सीयम क्लोराइड मैग्नेशियम सल्फेट मैग्नेशियम क्लोराइड एटा मन रखे सल्ट अफ कैल्सीयम मैग्नेशियम अधिक थे खर जल बोली कहा जाए खर जल है साबुन फेण हुए ना से भाया पाने आमको डिटर्जेंट यूज कराक पड़े क्लीयर। नेक्स्ट जमी तुम्हें देखी थोड़ा पोखरी रे, पोखरी रे तुम्हें जब साबुन नहीं घसवना घरे तुम्हें जो ट्यूबवेल जो पा बाहर से साबुन घस फेण हम पोखरी से जब तुम्हें केवे गाधे थो पोखरी कौन साबुन एत फेण हुए ना है बिकज दैट इज व्हाट विभिन्न प्रकार सल्ट मिसीज ओके परमानेंट सल्ट हार्डनेस ऑफ वाटर। मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजेन्स, हेलोजेन्स भितर सब रिएक्टिव किए हेलोजेन्स गुड़ा कौन मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड्स गुड़ाक होती हेलोजेन्स गुड़ाक एमाने बहुत इजिली कौन रिएक्ट कर जाती मेटाल्स मानक सहित एस्पेसियाली, एस्पेसियाली मेटाल्स मैंने होती प्रिय बहुत इजिली रिएक्ट कर दे आर द मोस्ट एक्टिव सब्सटेन्सेस है जो थे कौन फ्लोरीन हूँ गोटे गैस, क्लोरीन हूँ गोटे गैस, ब्रोमिन हूँ गोटे लिक्विड है ब्रोमिनटा कौन द हेलोजेन दैट इज लिक्विड इन नेचर इज ब्रोमिन एमती हेलोजेन जोटा लिक्विड इन नेचर दैट इज ब्रोमिन ठीक ना नहीं। आयोडीन, आयोडीनटा आयोडीन आस्ट्रेटाइन ए दुई जन को मन रखे आयोडीन आस्ट्रेटाइन गुड़ाक होती सॉलिड इन नेचर, सॉलिड 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 इन नेचर। एबे क्वेश्चन को आस मोस्ट रिएक्टिव गैसेस किए फ्लोरीन, फ्लोरीनटा इज द मोस्ट रिएक्टिव गैस सिंपल जिनस है पोखरी रे बहुत किसी थाए भाई भाई तीन तीन चार चार थर भाई चार थर मैंने कॉपी पेस्ट मारी चली से मैंने तुम्हें कौन चाहो ताकि नेशनाली आम घोषणा करदे का टाइम्स ऑफ इंडिया हला आउ इंडियन एक्सप्रेस हिंदू रेल छापी देवा भावुच कि पोलिंग गैसेस रिलीज फ्रॉम द बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज हला फ्यूल गैस ब्यूटेन प्रोपेन मिथेन इथेन कोडा हो
लाइक सेयर चल ना, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग। गोटे पिला क्वेश्चन 60 70 80 ला 100 टा बनेबा पे 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा समय लाए, कॉपी पेस्ट करले भी समय लाए। जो क्वेश्चन आम पाखर अच्छे गोटे जगह गोटे जगह आने की कॉपी पेस्ट करा भी समय लगे है 1.5 घंटा। जब बस आम क्वेश्चन बनइबू 1.5 घंटा क्लास करूँ, 3 घंटा तुम क्लास करूँ, तापर तुम लाइक सेयर करनी, बहुत भल कथा। बायोगैस बायोगैस ला किए मो क्वेश्चन बोली कहला के लंबा से मो क्वेश्चन पचार ए जी ब्लॉक तुम क्वेश्चन कुआ गला पलैला कुआ है। रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट कौन गोबर, गोबर यूज है, गोबर में कौन थाए पिले गोबर में मिथेन थाए, गोबर में कौन ब्यूटेन थाए कि ब्यूटेन करनी भूल है, सरी ब्यूटेन करनी भूल मिथेन हम मिथेन, गोबर गोबर मान मिथेन, बायोगैस प्लांट मान गोबर, गोबरटा पची सड़क कौन बैक्टेरिया मैंने मिथेन छाड़ती मिथेन मार्स गैस। ओके नेक्स्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द ब्लड कैरीज मिनरल विटामिन सुगर एंड अदर फूड टू द बॉडी सेल्स है। तुम ब्लड रे जदि विटामिन कैरी हो मिनरल कैरी हो सुगर कैरी हो मैंने कार्बोहाइड्रेट जोटा ग्लुकोज जोटा है अदर फूड कैरी हो बॉडी सेल्स को जोटा नहीं जाऊँगा कौटा नहीं जाऊँगी प्लेटलेट नहीं जाऊँगी आरबीसी नहीं जाऊँगी डब्ल्यूबीसी नहीं जाऊँगी किए नहीं जाऊँगी सब गुड़ा कैरियर काम किए करे प्लाज्मा करे है। ब्लड प्लाज्मा 60% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम इज ब्लड प्लाज्मा, लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज ब्लड प्लाज्मा हो 60% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम लिक्विड पार्टा ठीक अच्छे लिक्विड पार्टा से मिनरल्स कैरी करे माने डाइजेस्टिव प्रोडक्ट गुड़ाक जी अच्छी सेल पाख को लेकिन जब एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट गुड़ाक जी एक्सक्रेसन होवार अच्छी किडनी को लेकिन जब हार्मोन्स गुड़ाक जब इड सैड को मुव करेंगे लेकिन जब यही सब कम है ट्रांसपोर्ट करने काम हो प्लाज्मार ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडीटा प्लाज्मा तैयारी करे ब्लड। ओके नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिजीजेस इज रॉन्गली मैच्ड, कैल्सिफेरॉल ऑस्टियोमलेशिया नियासिन पेलेग्रा कोलोकोबालामिन परनिशियस एनीमिया रिबोफ्लाविन बेरीबेरी 50 थर खंडे हेलानी हला किंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा कैल्सिफेरॉल हला विटामिन डी कैल्सी कैल्सी माने डी हला विटामिन डी ऑस्टियोमलेशिया हो ऑस्टियोमलेशिया टा होची हाड़ गुड़ा बंका हे जीवा बुढ़ा समय रे ला दैट इज एज रिलेटेड डिजीज विटामिन डी कैल्शियम डिफिशियंसी हुए। नियासिनटा है पेलेग्रा पेलेग्राटा हूँ कौन 4D सिंड्रोम बोली कहा जाए झाड़ा बांति हे देह गुड़ाक डर्माटाइटिस देखा जीवो, स्किन रोग हे एटसेट्रा एटसेट्रा जहाँ को पेलेग्रा बोली कहा जाए है विटामिन कौन B3 नियासिन मैंने B3 डिफिशियंसी जो स्कोबालाक्विन मैंने कौन विटामिन B12 डिफिशियंसी जो परनिशियस एनेमिया हुए जहाँ को मेगालोब्लास्टिक एनेमिया कहा जाए कौन बोली कहा जाए ये अदरवाइज कौन मेगालोब्लास्टिक एनेमिया मेगालोब्लास्टिक एनेमिया कौन हुए तुम आरबीसी गुड़ाक बहुत बड़ बड़ हो जाए हिमोग्लोबिन कमी जाए ब्लड रे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमी जाए हेला दैट इज कॉल्ड B12 डिफिशियंसी। रिबोफ्लाविनटा भूल अच्छी रिबोफ्लाविनटा कौन रिबोफ्लाविनटा हूँ B2 है कि बेरी बेरी हुए कहा द्वारा B1 डिफिशियंसी द्वारा हुए जहाँ को थायमिन बोली कहा जाए थायमिन हुए थायमिन। ओके आंसर डी हे आगु चल शीघ्र 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 टे जोश रख जोश आसुनी कौन है सब है सम विटामिन्स आर फैट सोल्युबल व्हाइल द अदर्स आर वाटर सोल्युबल विटामिन किए किए जल्दी कह दियो आउ मुटा आंसर कहमी तुम्हें कह पलैवा आग को कह 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 हेला सम विटामिन्स आर फैट सोल्युबल व्हाइल द अदर्स आर वाटर सोल्युबल हेला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्युबल कोटा हबो फैट सोल्युबल विटामिन होचंडी एडी के फैट्स रे सोल्युबल हेबे आ बी आउ सी हेबे वाटर रे सोल्युबल हेबे हेला को विटामिन्स गुडा को प्रोसेसिंग समय रे नष्ट हो जाए बी आउ सी नष्ट हो जाए काहे कि दे आर इजीली सोल्युबल विथ वाटर हेला हुए ना नहीं क्वेश्चन आसे सहज क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लाइक शेयर होची ना नहीं कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग शेयरिंग इज केयरिंग आगो चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच ह्यूमरस फीमर बोन उपरे देछि बोन उपरे क्वेश्चन देछि ह्यूमरसटा फीमर सहित कंपेरेबल रेडियस अल्नाटा टिबिया फिबुला सहित कंपेरेबल कार्पालसटा टॉर्सल सहित कंपेरेबल पेटेलाटा फेलेंजस सहित कंपेरेबल किए का सहित कंपेरेबल जोटा देछि करेक्टली मैच है नाही देख ह्यूमरस हाडर ए बोनटा दिस बोन जोटा हातरे ए बोनटा हला कोन ह्यूमरस गोडर जंघर बोनटा कह जाय फीमर हाथर यही पोर्सनटा गोड़ जंघ सहित रिलेटेबल है लार्जेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होची फीमरटा थाए बोन करेक्ट अच्छी ए करेक्ट अच्छी रेडियस हलना है यहाँ देख ये आम कौन था ये दुटा बोन थाए रेडियस हलना दुटा बोन थाए ठीक से भाला गोड़ तल पोर्सनटा से दुटा बोन थाए टीबिया फिबुला हाथ में रेडियस हलना गोड़े टीबिया फिबुला तापर आसा कौन हाथर जो पोर्सनटा फ्रीली मुव करे रिस्ट रिस्ट्रे थाए कार्पल्स गोड़ जो अंशटा टिके टिके बुली पारुछि दैट इज कॉल्ड एंकल हला एंकल एंकल माने कोन एडीटा सेतिरे थाए टॉर्सल्स हला एटा हला कार्पल्स एंकल्स रे हला टॉर्सल्स तापरे फेलेंजेस माने हला कोन
फिंगर बोन फिंगर बोन फिंगर बोन पेटेला मैंने कौन नी कैप नी कैप तुम नी रर अंश को छुईकी देख गोल गोल लगे दैट इज कॉल्ड नी कैप पेटेलाटा नी कैप से अलग जिनस फेलेंजेस अलग जिनस क्लीयर फेलेंजेसटा क्या सहित करेक्ट हे टो बोन सहित करेक्ट हम है हाथ रंगुड़ी गुड़ाक फेलेंजेस कहुए है गोड़ आंगुड़ी गुड़ा है टो बोन्स कहींपर से करेक्ट हो पार कि पेटेला हे ना पेटेलाटा नी रे थाए नी रे थाए ओके नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स ओ बहुत सहज क्वेश्चन ह्यूमन हेयर नेल्स रे कौन थाए केराटिन 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 प्रोटीन काली भी ए टाइप रोटे क्वेश्चन डिस्कस करते केराटिन प्रोटीन थाए केराटिन प्रोटीन है ऑक्सीटोसिन को टिके मन रखियो पिला एटा एग्जाम रे आसे ऑक्सीटोसिन को कौन बोली कहा जाए लव हार्मोन बोली कहा जाए ऑक्सीटोसिन इज अदरवाइज कॉल्ड लव हार्मोन है आम मानक भितर जो लव एफेक्शन सब हुए यहाँ सब कौन लव हार्मोन द्वारा आसे माँ छुआ मानक भितर जो स्नेह ममता दैट इज लव हार्मोन जो हुए है ता सहित कौन यूट्रस कंट्राक्शन में मन रखे आसे क्वेश्चन रे यूट्रस छोट छुआ जितने जन्म हुए माँ पेटर था यूट्रसटा कंट्राक्ट करे गर्भाशयटा छुआटा बाहर से ही समय यूट्रस कंट्राक्शन क्या द्वारा हुए ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होवा द्वारा हुए ओके वैसोप्रेसिनटा कौन एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहुए कौन कहुए एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहुए एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोनटा कौन करे आमर बॉडी रे हला पानी रो लेवल को कंट्रोल रखी थाए पानी रो लेवल को कंट्रोल रखे किडनी द्वारा कौन पानीटा कंट्रोल रही था किटा जब वैसोप्रेसिन कमिला है पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज हुए वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन जब कमिला एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जब कमिला तुमको को रोग हम मधुमेह रोग हुए डायबिटीज इनसिपिडस सॉरी डायबिटीज है इनसिपिडस ठीक तो कहल ओके नेक्स्ट एंटी डायबिटिक हार्मोन पानी बहुत लॉस हो जब वैसोप्रेसिन कम नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द इज नॉट ए कोलोइड मिल्क ब्लड आइसक्रीम हनी है कोलोइड कौटा न तुम्हें पढ़ी थो पिला है केमिस्ट्री तीन टा जिनस था गोटे थाए सल्यूसन थाए सल्यूसन पर आ गए थाए सस्पेंशन सस्पेंशन पर आ गए थाए कोलोइड है सल्यूसन सस्पेंशन और कोलोइड तीन प्रकार जिनस थाए सल्यूसन टा कौन गोटे पदार्थ आ गए पदार्थ सहित कम्प्लीटली मिसी जाए है जमती कौन कम्प्लीटली मिसीज दैट इज कॉल्ड सल्यूशन चीनी पानी में मिसेले पूरा गोल सल्यूशनटा है जी आम लाइट पकईवा लाइटा कौन किसी एक्टिविटी देखेबा ना कि आम सस्पेंशन आ कोलोइड्रे जदि मन कर सस्पेंशन कि कोलोइड गोटे अच्छी एटू जदि लाइट पकईवा से कौन लाइटा बीम अफ लाइट देखा जहाँ को टिंडल इफेक्ट बोली कहुए कौन कहुए टिंडल इफेक्ट लाइटा देखा बोटल ग्लास भितर जोटा कि सल्यूसन में हुए ना टिंडल इफेक्ट पार्टिकल्स गुड़ाक टे बड़ बड़ साइज थाए सस्पेंशन में बहुत बड़ बड़ पार्टिकल थाए कोलोइड में छोट छोट पार्टिकल थाए है नॉट ए कोलोइड कौटा हम कोलोइड कौटा नुह कोलोइड कौटा नुह कोलोइडटा कोलोइडटा हूँ ये हनी सॉरी आइसक्रीमटा कोलोइड नुह आइसक्रीमटा कौन जीव सस्पेंशन में जीव आइसक्रीमटा सस्पेंशन पार्टिकल साइज बहुत बड़ बड़ थाए हला पार्टिकल साइजटा बहुत बड़ बड़ था आइसक्रीम जब तुम्हें लाइट पकेबो लाइटा भल भाव देखा जीव कि क्लीयर एंटर सी हम सी सी नेक्स्ट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर इज एप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड 343 मीटर पर सेकेंड 330 मीटर पर सेकेंड 3 इंटू 10 10 मीटर पर सेकेंड कौटा हम जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी बोलो हला शीघ्र सर टाइम हो आसला घंटे हो गला पांच मिनट भितर सर पांच दस मिनट भितर मनोरंजन दास तुम ओडिया कह से बुझीलानी कौन कौच वेलोसिटी ऑफ साउंड कौटा हम सब मन रखे पिला वेलोसिटी ऑफ साउंड एट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड तीन सौ तीस मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ साउंड एट है यहाँ मन रख जीरो डिग्री सेंटीग्रेड रे वेलोसिटी ऑफ साउंड होती तीन सौ तीस मीटर पर सेकेंड है जदि रूम टेम्परेचर कहला रूम टेम्परेचर मैंने कौन कोड़े पचीस डिग्री सेंटीग्रेड जदि आम कल पढ़ी कोड़े पचीस डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जदि मन कर टेम्परेचर बढ़ला स्पीड अफ द साउंड कौन हम बढ़ी जाए पढ़ी ना नहीं 343 मीटर पर सेकेंड है मो क्वेश्चन में सब कि ना कि शिखा को पाइब जहाँ भी मुझे करी एवं जोग्राफी करुँचे एनवायरमेंट इकोलोजी करुँची है कि साइंस कर जहाँ भी कैसे सब नुआ कि सियोर शिख आगू चल काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैसीन लैक्टोज है कैरोटीन टुगेदर विथ कैसीन ब्यूट्रिक एसिड टुगेदर विथ लैक्टोज काउ मिल्कटा टे अधिक येलोइश थाए है काउ मिल्कटा टे येलो येलो देखा जाए येलोइश थाए टे आओ नॉर्मली तुमको कौन जो क्षीर वाला तुमको आसिक घर मिल्क दे जाटा व्हाइट थाए क्या पानी मिले थाए कौन है गोटे घर जी मिल्क देवा कथा से दुटा घर बांटी दिए आओ है डबल पैसा रोजगार है
सर केमी निजक एक्टिव रखा जाए है इफेक्टिव पढ़ा हो पार है मोर गोटे भिड अच्छी भाई देखी पक मोर भूपेन्द्र प्रधान ओपीएससीएन एकाडेमी को जीव भिड बनई है जो थी तुम कम्प्लीट मोटिवेशन पाइज अच्छी मोटिवेटिंग भिड काओ मिल्क जेलिस है ह्वैट इन कलर कहीं थाए बिकज केरोटीन थाए केरोटीन केरोटीन कौन पिला गाजर केरोटीन थाए ना ना गाजर केरोटीन थाए शागर केरोटीन थाए केरोटीन हूँ जस्ट लाइक क्लोरोफिल क्लोरोफिल भाया गोटे पिगमेंट हूँ केरोटीनटा जोटा कि ऑरेंज कलर रेड कलर थाए जोटा ऑरेंज रेड कलर दिए शागर थाए आउ गाजर थाए लिफी भेजिटेबल्स थाए पत्र थाए दैट इज काओ मैंने कौन दे आर हर्बीवर्स खाऊंट है काओ मैंने हर्बीवर्स गुड़ाक खाऊंट बुझीपार ना ना हर्बीवर्स क्लियर तो केरोटीन ओब्वियसली बॉडी को जाऊँच तो मिल्क रे केरोटीन थाए बोली सेटा टी येलोइश देखा जाए कैसीनटा है कौन इट इज अ मिल्क है मिल्क प्रोटीन कैसीनटा हूँ मिल्क प्रोटीन से थोड़ा मिल्क रे जो प्रोटीन था है कौन कैसीन बोली कहा जाए यहाँ भी एग्जाम आस मन रख नेक्स्ट क्वेश्चन को आस द फॉरेन पार्टिकल्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस बैक्टीरिया स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच टाइप ऑफ सब्सटेंस ह्यूमन बॉडी काली एटा करा हितला गुड भिन्न प्रकार रो क्वेश्चन किंतु सेही टाइप रो क्वेश्चन एटा मध्य फॉरेन पार्टिकल्स आम बॉडी को आसला टॉक्सिक सब्सटेंस आसला बैक्टीरिया आसला कोन करबो आम बॉडी कोन तयार हो एमन को समस्त को कोन कहबो बाहर जति के आसले समस्त को कोन कहा जाय एंटीजेंस बोली कहा जाय बाहर जति के जिंस आम बॉडी को आसु जंति ताको एंटीजेंस कहा जाय एंटीजेंस माने आम बॉडी को एंटर करले कोन हबो प्रोटीन रो गुडा को तयार हबो आम बर इम्यून सिस्टम द्वारा डब्ल्यूबीसी द्वारा जहा को एंटीबॉडीज बोली कहा जाय यस एंटीबॉडीज को है सिंपल जिन नेक्स्ट आगे चलो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन इन इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स रे पचारि छि पिला इनवर्टिब्रेट्स रे इनवर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स रे एक्सोस्केलेटन कोटा हो आमर एक्सोस्केलेटन कोटा पिला नख 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 एग्जांपल ऑफ एक्सोस्केलेटन है आमर एंडोस्केलेटन कोटा हाड़ हाड़ भितर अच्छी ना नहीं हाड़ मेरुदंडी प्राणी मानकर एंडोस्केलेटन थाए भितर हाड़ थाए आमर एक्सोस्केलेटन रो एग्जांपल कोन हबो नेल्स हबो नेल्स नेल्स है किंबा अन्य मानकर घोड़ा रो हुप्स थाए हुप्स खुरा खुरा है किंबा क्लज थाए बिले बाघ एटसेट्रा मानक क्लज थाए से सब कौन नख खुरा एटसेट्रा सब आउटर जिनस गुड़ाक है सेल 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 सेल्टा हूँ कौन कहला इनवर्टिब्रेट्स अमेरुदंडी प्राणी मानकर थाए जमी हूँ स्नेल स्नेल सेल थाए ना ऊपर उपर खोलपा थाए कैल्शियम कार्बोनेट रे तैयारी ओके नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द ह्यूमन स्कल ह्यूमन स्कल रो बोन कोटा नुह ह्यूमन स्कल देख एटा स्कल एटा स्कल 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 ये पूरा कह जाए पिला स्कल ऊपर बोनटा आठटा थाए है ऊपर आठटा बोन थाए जहाँ को क्रानियम ब्रेन बॉक्स बोली कहा जाए ऊपर आठटा बोन थाए जहाँ को कौन ब्रेन बॉक्स बा क्रानियम बोली कहा जाए सेटा होची स्कल रो बोनटा तापर लैक्रिमाल लैक्रिमालटा कौन टीयर 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 है टीयर ग्लांड इज अदरवाइज कॉल्ड लैक्रिमाल ग्लांड आमर आखिरे छोट छोट ग्लांड थाए जहाँ को लैक्रिमाल ग्लांड बोली कहा जाए ओके टीयर ग्लांड कहा जाए तार तले तले बोन थाए लैक्रिमाल्स बोन्स ओके पालाटाइन्स पालाटाइन्स है रूप अफ द माउथ जहाँ को तालु बोली तुम कौच तालु ना तालु बोली जो कह पार्टी एमती जीव ऊपर को जीव जहाँ को टच कर दैट इज कॉल्ड रूप अफ द माउथ है तालु ना तालु बोली कहा जाए दैट इज रूप अफ द माउथ पालाटाइन्स स्टेरनमटा कौटी थाए बिले स्टेरनमटा हूँ चेस्ट बोनटा स्टेरनम इज ए चेस्ट बोन एटा है मझीर थाए चेस्ट बोन दिस इज स्टेरनम आंसर है डी ओके या ब्रेस्ट बोन भी कहा जाए स्टेरनम इज अदरवाइज कॉल्ड द ब्रेस्ट बोन और टाई बोन भी कहा जाए ओके नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच विटामिन रेटिनॉल विटामिन बी टू रिबोफ्लाविन बी सिक्स है नियासिन सी है कैल्सिफेरॉल कोटा करेक्टली मैच्ड अच्छे करेक्टली मैच पचारा कौटा सिंपल अच्छी एटा एबे कहला विटामिन बी टू टा करेक्ट अच्छी रिबोफ्लाविन बाकी सब भूल अच्छी देख बी वन टा है कौन बी वन टा है आमर व्हाट इज द बी वन टा कौन आमर थायमिन ला बी वन टा है थायमिन रेटिनॉलटा है कौन रेटिनॉलटा हूँ विटामिन ए है नियासिन नियासिनटा है बी थ्री बी सिक्स ना हूँ पायरीडक्सीन है पायरीडक्सीन सब अच्छी बायोलोजी भी पढ़ाई सर्च कले सब पाइबे विटामिन डिजीजेस बायोलोजी गुड़ाए चैप्टर्स भी पढ़ाई एवे भूपेन्द्र प्रधान ओपीएससीएन एकेडमी लाइव खोजीदे यूट्यूब सब पाइबे जिते इंटरेस्टिंग वीडियो सब पाइबे विटामिन सी कैल्सिफेरॉल करेक्ट अच्छी ना विटामिन सी हूँ एस्कॉर्बिक एसिड है एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी कैल्सिफेरॉल है विटामिन डी तो आंसर कौटा हम बी हम करेक्ट बी अच्छे ओके गुड मॉर्निंग नेक्स्ट बिसाइड्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अदर एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड फाउंड इन मिल्क इनक्लूड है मिल्क रे प्रोटीन थाए मिल्क रे पुष्टिसार थाए मिल्क रे कौन कार्बोहाइड्रेट थाए स्वेत सार थाए स्नेह सार थाए सब सार थाए भूपेन्द्र सार भी था कि कौ सार न था किए न थाए है चार्टा भितर कौन हम कौटा आउ अच्छी अन्य माने नहांती कोटा हबो
ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ପୋଟାସିୟମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଲ୍କରେ ଥାଏ, ହେଲା। ବାକି ସବୁ କେଉଁଥିରେ କଟିଗଲେ କହିଲ, ବାକି ସବୁ କେଉଁଥିରେ କଟିଗଲେ, ବାକି ସବୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା କଟିଗଲା। ଦେଖ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ, ନୋ ଆଇରନ୍ ଇଜ୍ ମିନ୍, ହେଲା। ନୋ ଆଇରନ୍ ଇଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ ମିଲ୍କ, ହେଲା। ମିଲ୍କରେ ଆଇରନ୍ ନଥାଏ, ସେଇଠୁ କଟିଗଲା। ବାକି ଅପସନ୍ ସେଇଠୁ କଟିଗଲା। ଏତିକି ଜାଣିଥିଲେ ଧଡ଼ 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 ହେଇକି 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆନ୍ସର ହେବ, ଓନ୍ଲି 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ଚାଲ, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ହେଲା, ଅଫ୍ ଦ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି କୁହାଯାଏ, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା। ଏବେ ମାଷ୍ଟର ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଛି ଯେ କି କ'ଣ ତାର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଆଜାଦ ଅଛି, ଆଜାଦ ପଞ୍ଚୀ ହେବ, ଓ କ'ଣ ହେ ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ପଛପଟେ ଥାଏ, ତଣ୍ଟିରେ ଥାଏ, ଏଇ ଜାଗାରେ, ନେକ୍ରେ, ହେଲା, ଥ୍ରୋଟ୍ରେ ଥାଏ। ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡଟା ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ପଛପଟେ 4ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଥାଏ, ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଏମାନେ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ସେପାରେଟ୍ଲି କାମ କରନ୍ତି, ହେଲା। ଦେ ହାଭ୍ ସେପାରେଟ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ କହିଲ, ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର କାମ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲେଭେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ହେଲା। ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ବ୍ଲଡ୍ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଲେଭେଲ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା, ମଜା ଲାଗିଲା ସେସନ୍ଟା। ଘଣ୍ଟେ 10ରୁ 15 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ସାରିବା ପାଇଁ, ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଟିକେ ଅଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟେ 30 ମିନିଟ୍ ବି ହେଇଯାଏ, ହେଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। କାଲି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କରିଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ କରିଛୁ, ହେଲା। ଆଉ ପୁରା ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛୁ। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଏଟସେଟ୍ରା ବାହାରିବ, ତାପରେ ଆଉ 2ଟା ସେସନ୍ ରଖିବା, ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଆସିବି 1-2 ଦିନ ଭିତରେ, ହେଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ 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 ମୁଁ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ସେସନ୍ସ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ଦେଇଦେବି ସବୁ ପିଲା ଯେଉଁଥିରେ କ'ଣ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ହେଇଛି। ଓକେ, ସୋ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓପିସିଏନ୍ ଏକାଡେମୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇଁ ନହେଲେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେନି, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ କ୍ଲାସ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଠିକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସମୟରେ ଆସିଯିବ। PDFs କ'ଣ କେମିତି ପାଇବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବହୁତ କମ୍ ହେଉଛି, କିପ୍ ଲାଇକିଂ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ, ହେଲା। ଲାଇକ୍ ସେୟାରର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛ, ଜଣେ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କିପ୍ ଲାଇକିଂ ଆଣ୍ଡ ସେୟାରିଂ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଏ ମିନିଟ୍। ତ ମୁଁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପ୍ରୋମୋ ପାର୍ଟଟା କହିଦିଏ, ଦେନ୍ ଆମେ ସେସନ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଆଣୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଆଣିବି ଆଗକୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ। ତ ଓପିଏସ୍ସି ଅନ୍ଏକାଡେମୀରେ ଯଦି ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅନ୍ଏକାଡେମୀ ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଟପ୍ ଏଜୁକେଟର୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ହେଲା। ଆମେ ଆମର ଟପ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ଏଜୁକେଟର୍ସମାନଙ୍କଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମକୁ ମିଳିବ, ହେଲା। ତା ସହିତ କଭରେଜ୍, ସିଲାବସ୍ କଭରେଜ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସିଲାବସ୍, ହେଲା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋର୍ସେସ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର, ହେଲା। ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କୋର୍ସ ନୁହଁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କୋର୍ସ। ଇଭିନିଂରେ 7 PM କ୍ଲାସ୍ ହେବ, ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରିରେ ଦିଆଯାଉଛି, ୟା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଥରେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇ ଚାଲୁଥିବା ଆମର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥିଲା ଯାଏଁ। ଓକେ, ତା ସହିତ ଅଫର୍ସ ବି ଆସୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିପାରିବା। ଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଲିମିଟେଡ୍ ସିଲାବସ୍, ଲିମିଟେଡ୍ PDFs ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଲାବସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ସିଲାବସ୍, ଅନଲିମିଟେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ, ଅନଲିମିଟେଡ୍ PDF ଦେଇପାରିବା, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ ଦେଇପାରିବା, ରେଗୁଲାର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ସେସନ୍ସ କରିପାରିବା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ଏବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲା। ଏସବୁ ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଲଞ୍ଚ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଏସବୁ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ହେଲା। ଓମାସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, OPS ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ହେଲା। ତା'ର ମେନ୍ସ ଅଛି ପୁଣି, ତ ତା'ର ଗୁଡ଼ାଏ ଏନ୍ସର୍ ରାଇଟିଂ ବ୍ୟାଚେସ୍ ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରାଇସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଇସେସ୍ ରହୁଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ମାସିକିଆ, 3 ମାସିଆ 6 ମାସିଆ, ବର୍ଷିକିଆ, 2 ବର୍ଷିଆ। OPSCର ଅଲଗା ଅଛି, ତା ସହିତ ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ସର ଅଲଗା ଅଛି, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଅଲଗା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ SSCର। ତ ଯେଉଁଟା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ କୋଡ୍ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଲାଇଭ୍, ହେଲା। ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର୍ ସମୟରେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ସମୟରେ ବି 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ବେଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ବି ମିଳିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଓକେ, ହେଲା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ତୁମେ ଅନ୍ଏକାଡେମୀରେ ଯଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛ, ଅନ୍ଏକାଡେମୀ ଯଦି ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛ, ପ୍ଲସ୍ ବି ନୁହଁ, ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ମିନିମମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି,
ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଡିସେମ୍ବର ତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଜାନୁଆରୀ 2022ରୁ ନେଇକି ହେଲା ଜୁଲାଇ 15 ଯାଏଁ ସବୁ ହେଲା 6 ମାସ 6.5 ମାସର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର MCQs କରେଇଛି ହେଲା। ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ନା 12ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ୟା ଉପରେ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQs ଉପରେ। ସେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରିବେ ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQs ସେଟା ବି ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ନର୍ମାଲି ମୋର ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ଟା 9:15 PM ରହେ, ଏବେ ଏସଓ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବ 9:15 PM ହେଲା ସେସନ୍ରେ। ଅନ୍ ଏକାଡେମୀରେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ତୁମକୁ, ମୁଁ ମୋ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ 6 ମାସ ହେଲା 6 ମନ୍ଥସ୍ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ଭଲ ଭିଗରସ୍ଲି ପଢ଼ିବ, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ଲାଷ୍ଟ 6 ସାଢ଼େ 6 ମାସର ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ 2021ର ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର ଯାଏଁ ପଢ଼ିବ, ସେତିକି ପଢ଼ିବ ହେଲା। ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ହୁଅ ପିଲା, ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନହେଲେ ହେବନି। ତୁମେ ଯଦି 2021ର ସବୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିକି ଯିବ ଏକ୍ଜାମକୁ, କ'ଣଟା ତୁମକୁ ମନେ ରହିବ? ଯଦି 2021ରୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆସିଗଲା, ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ତୁମର କ'ଣ ଘରେ ଆସିକି ପିଟିବେ ନା କ'ଣ ତୁମକୁ? ବାକି ତ ତୁମେ ପାଇବ ନା, ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ 25ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆସିଲେ 3ଟା ଯଦି ମନେକର 2021ର କେଉଁ ଡିସେମ୍ବର କ'ଣ ଜାନୁଆରୀରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଯାକ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପଢ଼ିବ? ତାଠୁ ଭଲ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ 3 ମାର୍କ ଜାଗାରେ 5 ମାର୍କ ପାଇବନି? ଥୋଡ଼ା ଦିମାଗ ଲଗାଓ, ପହେଲେ ଇସ୍ତେମାଲ କର, ଫିର୍ ବିଶ୍ୱାସ କର ହେଲା। ଖାଲି ବକ୍ ବକ୍ ହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ଓନ୍ଲି 6 to 6.5 ମନ୍ଥସ୍ ପଢ଼ିବ ହେଲା, ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ହେଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ଅଗଷ୍ଟରୁ ଡିସେମ୍ବର 2021ର ୟାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବ ସେତିକି, ତାଠୁ ପଛକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ହେଲା। ଥୋଡ଼ା ଦିମାଗ ଲଗାଅ, ଦିମାଗ ହେଲା, ଟିକେ ଦିମାଗ ଲଗାଅ। ଖାଲି ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ମୁଣ୍ଡା ଭଳିଆ ଖାଲି ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ଖାଲି ହେଲା ଶୁଣିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କିଏ ଗୋଟେ କିଛି କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଇଭେନ୍ ଯେଉଁ କଥାଟା ଏବେ କହିଲି ତାକୁ ଟିକେ ତୁମେ କ'ଣ ଏନାଲାଇଜ୍ କରିବ, ଏଇ ମାଷ୍ଟରଟା ଏଇ କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ତ ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ସତ୍ୟ, ଟିକେ ଭାବିବ ଚିନ୍ତିବ, ଦେନ୍ ତୁମେ ମେଚ୍ୟୁର ପିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହିଲେ ହଁ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଏହା କହିଲେ, ଓକେ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଫ୍ୟାନ୍, ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ କରିବି ହେଲା, ଦେନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଇମେଚ୍ୟୁର ହେଲା। ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଦେଖାଅ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଯେତେ କ୍ୱିକ୍ଲି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଦେଖେଇବ ନା ଲାଇଫ୍ରେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଓକେ, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। ମୋର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଜମା ମନେ ରହୁନି, ସେଇଟା କାହାରି ମନେ ରହିନି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଅପସନ୍ ଦେଖିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଚାଲ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ, ଇଭିନିଂରେ ଦେଖ।